So welcome back. This is lecture 13, which is summary of fixed and variable overhead variances. So with this lecture, the fixed and variable overhead variances will be completed fully. Okay. And this is for standard costing and variance analysis for CMA intermediate June 2022 attempt. Okay. Or ye hai CMA FM ke liye. Right. So I'll take you to ये है आपका ओवरहेड वेरिएंसेस. ओके, देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ओवरहेड वेरिएंसेस. ठीक है, तो आई विल टेक यू थ्रू दैट एंड देन विल सी द वेरियस थिंग्स इन्वॉल्वड इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. इसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, हाउ टू डू इट. सो फर्स्ट थिंग इज ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, व्हिच इज द टोटल ओवरहेड वेरिएंस. ओके, which is fixed overhead plus variable overhead variances. ठीक है, इसका यहाँ पे टेबल मैंने बनाया है. दिस इज योर ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. ओके, सो इट हैज टू पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड ओवरहेड एंड वन इज वेरिएबल ओवरहेड. ओके, सो इसमें फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ओके, बट आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. वेरिएबल ओवरहेड वैसे भी बहुत ही सिंपल है. ओके, सो इसको हम लास्ट में देखेंगे. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. सो ये जो भी मैंने लिखा हूँ, दिस इज एज पर द शॉर्ट फॉर्म्स विच वी विल बी यूजिंग. सो यहाँ पे है ये BES, मतलब दिस बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरिएंस. ठीक है, ये है बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरिएंस एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम वेरिएंस. सो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरियंस. ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम वेरियंस. तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, ठीक है, देन वॉल्यूम वेरियंस के लिए के अंदर में देर आर थ्री पार्ट्स. ओके, वन इज कॉल्ड एज कैपेसिटी वेरियंस, वन इज कैलेंडर वेरियंस एंड वन इज एफिशियंसी वेरियंस. ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे. तो यार ठीक है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स. एक है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड. दूसरा है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड. ओके, देयर आर टू थिंग्स हियर. नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है इट इज फिक्स्ड फॉर वन पीरियड. ओके, एक पीरियड के लिए फिक्स होता है. सपोज एक कैलेंडर ईयर के लिए अगर फिक्स कर रहे हैं. ओके, देन बजटेड पीरियड कैन बी शॉर्टर देन दैट. ठीक है, सो बजट के लिए हमेशा बजट पीरियड यूज होता है. इट कैन बी वन क्वार्टर. ओके, तो जब व्हेन आई एम यूजिंग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजट भी स्टैंडर्ड ही है. ओके, बजट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड. ओके, बट थिंग इज कि अगर फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं फॉर वन ईयर. ओके, सो दिस विल बी डिटरमाइंड फॉर बजट पीरियड. सो मान लीजिए इट इज वन क्वार्टर. ठीक है, तो हर क्वार्टर के लिए आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स करेंगे ना. हर क्वार्टर के लिए सेम हो जरूरी नहीं. ओके, टोटल व्हेन यू टोटल ऑल ऑफ ऑल फोर क्वार्टर्स इट विल बी सेम एज स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए. ओके, लेकिन इंडिविजुअली हर क्वार्टर का बजटेड जो फिक्स्ड ओवरहेड कैन बी डिफरेंट. ठीक है, ये एक चीज है, ये वन चीज है. और दूसरी एक चीज, ये दिस इज वन पॉइंट. ओके, अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज, सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टोटल पीरियड, जो टोटल पीरियड के लिए स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एंड बजट फिक्स्ड ओवरहेड विल बी सेम टोटल पीरियड के लिए. ओके, बट बजट पीरियड के लिए इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव गॉट मोर आउटपुट इन वन क्वार्टर देन अनदर. ओके, उस हिसाब से बजट विल बी फिक्स्ड. ओके, और एक चीज है, ये तो वन. दूसरा है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. ओके, क्या करते हैं हमको ओवरहेड अब्सॉर्प्शन. ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, व्हाट इज ओवरहेड अब्सॉर्प्शन. ठीक है, क्या है ओवरहेड अब्सॉर्प्शन? क्या नाम सुने आपने ओवरहेड अब्सॉर्प्शन? सुना है. ओके, तो ये होता है कि फॉर ओवरहेड अब्सॉर्प्शन
है, आप क्या करते हो, एक पूरे पीरियड के लिए ठीक यू विल फिक्स द स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, ठीक है ठीक है, स्टैंडर्ड या बजटेड ओवरहेड पूरे पीरियड के लिए सेम रहेगा, राइट, फुल ईयर के लिए इट विल बी सेम, इसको आप फिक्स करते हो, ओके, OH मतलब ओवरहेड, राइट। तो इसके साथ साथ यू ऑल्सो फिक्स द बजटेड यूनिट्स, तो कितने यूनिट्स लगेंगे हम बना पाएंगे हम एक साल में, लेट अस से हम बोल रहे हैं 1000 यूनिट्स, सर एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए ना, ओवरहेड ऑब्जेक्शन। यार फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टैंडर्ड यूनिट जो है, सबसे पहले आप क्या देखते हो, स्टैंडर्ड या बजटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर फिक्स किया जाता है, ओके, होल पीरियड के लिए। बजटेड में हमने देखा कि फॉर क्वार्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ओके, लेकिन आप टोटल करोगे तो होल ईयर का इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड, सो विच इज वाई आपका स्टैंडर्ड और बजट कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज होता है, ओके। सो नाउ यहाँ पे, सो दिस इज, लेट अस से दिस इज स्टैंडर्ड और बजटेड ओवरहेड फॉर द होल ईयर, ओके। द होल ईयर के लिए यू फिक्स अ बजटेड यूनिट्स, यानी कितने यूनिट्स हम बना पाएंगे ऑन एन एवरेज, ओके। तो ये ओवरहेड है, मान लीजिए सपोज इट इज लेट अस से 50,000 रुपीज, ठीक है, ओवरहेड विल बी इन रुपीज, करेक्ट, है ना। ओवरहेड कुछ नहीं है, जो फिक्स चीजों के चार्जेस आप देते हो, रेंट एंड ऑल दैट, वट एवर यू पे फॉर फिक्स फैसिलिटीज, दैट इज योर ओवरहेड। ओवरहेड इज नथिंग बट मनी, ठीक है। यहाँ आप 50,000 अगर दे रहे हो, दिस इज योर मॉनिटरी वैल्यू, एंड बजटेड यूनिट्स आर इफ 1000 यूनिट्स, इसका पर यूनिट वैल्यू कितना होगा, 50,000 अपॉन 1000, ठीक है, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, 50 रुपीज, यस सर। ठीक है। So, अब हम क्या करते हैं, तो ये आप निकाल लेते हो 50 रुपीज, ओके। नाउ जब भी आप, नाउ थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, आपके कई ऑर्डर्स रहेंगे, ओके, लेट्स से यू विल हैव थ्रू आउट द ईयर यू हैव 100 ऑर्डर्स, लेट अस, ठीक है, कई ऑर्डर्स रहते हैं, ओके। सो हर ऑर्डर में, ओके, फॉर ईच ऑर्डर के एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आप यूज अप करते हो, करेक्ट, फॉर ईच आवर। सो जब हर ऑर्डर के लिए आप बिलिंग करते हो, से ऑर्डर नंबर 1 है ये, इसके लिए मैं बिलिंग कर रहा हूँ, सो हियर फॉर दैट आई हैव टू पुट एवरीथिंग, कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, हाउ मच ओवरहेड वाज यूज्ड, एंड देन माय प्रॉफिट एलिमेंट, ओके, तभी इसका बिल बनेगा, करेक्ट, ओनली देन आई विल बी एबल टू बिल इट, ठीक है। तो ये बिलिंग के लिए मैं ईयर एंड तक रुक सकता हूँ क्या, आई कैन नॉट वेट टिल द ईयर एंड, राइट, कस्टमर को हैव टू गिव द बिल देन एंड देयर, ठीक है। तो इसीलिए ये ओवरहेड रेट यूज होता है 50 रुपीज, ठीक है। तो इसीलिए अगर सपोज फॉर 100 ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर नंबर 1 में आई एम यूजिंग अप 50 आवर्स, ठीक है, 50 आवर्स है, तो मैं 50 × 50 के बेसिस में इसको चार्ज करूंगा ओवरहेड, व्हिच इज 2500, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कस्टमर को आई विल चार्ज 2500 फॉर ओवरहेड्स, ठीक है, वॉट एवर मटेरियल लेबर दैट विल बी चार्ज ऑल्सो, समझ में आई। तो नाउ वॉट हैपन्स, ठीक है, नाउ मैंने अज्यूम किया था कि ओवरऑल देर विल बी 1000 यूनिट्स, ठीक है, बट ये दिस मे और मे नॉट बी 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो एंड ऑफ द पीरियड में जितने मेरे ऑर्डर्स आए हैं उनके टोटल आवर्स अगर 1050 आवर्स है सपोज, ठीक है, राइट, तो मैं कितना चार्ज कर दूंगा यहाँ पे, 1050 × 50, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्डर्स आई वुड हैव चार्ज 1050 × 50, जो हो गया 52,500, जो इससे ज्यादा हो गया, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, यस सर। ओके। सो दिस इज नाउ मोर देन दिस, तो इसको बोलते हैं ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सिमिलरली इट इज पॉसिबल कि ये 950 हुआ है, ठीक है, ऑर्डर्स के ऊपर है ना आवर्स, तो ये अगर 950 हुआ है तो देन इट इज ओनली 47,500, दिस इज कॉल्ड एज अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है।
सर इसमें ये कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे कोई भी एक यूनिट को बनाने में 50 घंटा लगा, उस 50 घंटे की जो कॉस्टिंग आएगी वो उस यूनिट के ऊपर डाल दी जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज अज्यूमिंग दैट आई विल प्रिपेयर 1000 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन जो फाइनली टोटल इससे कम ज्यादा हो सकता है, तो ये 50 जो बनाया है मैंने, दिस इज 50,000 अपॉन 1000, करेक्ट? तो जब अगर यूनिट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो देन टोटल ओवरहेड का वैल्यू विल बी डिफरेंट, नॉर्मली इट विल बी डिफरेंट, है ना? ऐसा थोड़ी होगा, मैंने 1000 यूनिट्स माना है तो क्या आप एग्जैक्ट मेरे ऑर्डर्स विल बी 1000 यूनिट्स ओनली, ऐसा तो नहीं हो सकता, करेक्ट? ये इन द एंड ये डिफरेंट होगा, ओके? तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में, ओके? दिस इज कॉल्ड एज ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है? तो ये भी एक चीज है, आपका जो स्टैंडर्ड जो है, राइट? स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, वी हैव यूज्ड द स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है? स्टैंडर्ड ही हमने यूज किए हैं यहाँ पे, राइट? सर एक और चीज, हमेशा स्टैंडर्ड को ही बजट को ही स्टैंडर्ड मानेंगे? नहीं, आप स्टैंडर्ड को भी देखते हो, आप बजटेड को भी देखते हो, ओके? लेकिन जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ओके, व्हेन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड, हम यस सर, थोड़ा अलग ढंग से कैलकुलेट करते हैं। जब हम बजटेड बोल देते हैं ना, ये बजटेड हमेशा ये 50,000 होंगे, ओके? बजटेड विल ऑलवेज बी दिस 50,000, ओके? लेकिन जब हम स्टैंडर्ड निकालते हैं, ओके, देन हम उसको ऐसा निकालते हैं कि एक्चुअली जो एक्चुअल यूनिट्स के लिए हाउ मेनी आवर्स वर यूज्ड, ठीक है? अब उसके लिए एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड बेसिस में कितने आवर्स बने होते, एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड बेसिस में कितने आवर्स बने होते वो हम निकालते हैं, उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको भी समझेगा, हम जैसे थोड़े आगे जाएंगे, ओके, आई विल पुट सम फिगर्स टू इट प्रॉब्लम्स में, तो आपको और समझेगा, ठीक है? तो इस तरह से स्टैंडर्ड और बजटेड के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है, बिकॉज बजटेड में यू जस्ट टेक द प्लेन स्टैंडर्ड, ठीक है? कुछ यस सर, भी हमने चेंज नहीं किया, वो प्लेन स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड एज बजटेड, ओके? लेकिन ये स्टैंडर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि अगर बजटेड में फाइनली मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, ये 1050 आवर्स हो गए, ओके, ठीक है? सपोज ये यूनिट्स है, ये आवर्स भी, ये आवर्स बेसिस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट्स बेसिस में भी कर सकते हैं, ठीक है? सो योर मेन मोड ऑफ कैलकुलेशन विल बी आवर्स, यूनिट्स का मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है? सो यूनिट्स इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में भी देयर इज ओनली वन इलस्ट्रेशन पर यूनिट्स। तो ये आवर्स वाला आप समझ जाएंगे ना, तो यूनिट्स वाला ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स द सेम प्रोसीजर, ओके? बस आवर्स की जगह यू हैव टू यूज यूनिट्स, दैट्स ऑल। यहाँ पे मान लीजिए, सर रुकिए रुकिए, तो ये आवर्स है आपके, मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पे दिस इज आवर्स, ये भी पर आवर है, ठीक है? आवर्स बेसिस में भी हम निकाल सकते हैं, यूनिट्स बेसिस में भी निकाल सकते हैं। इन द एंड नाउ इफ यू आर गेटिंग एक्चुअल में 1050 आवर्स आ रहे हैं, ओके? एक्चुअल में इट इज 1050 आवर्स। हम बस ये देखेंगे स्टैंडर्ड बेसिस में, ओके? अगर 1050 आवर्स हमने क्या हमने स्टैंडर्ड का डालते, ओके, तो कितना हमारा आउटपुट आता, कितने आवर्स आउटपुट आता, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझेगा, एक प्रॉब्लम के साथ ही समझेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिगर्स हैं, ठीक है? थेके? एक प्रॉब्लम के साथ मैं बता दूंगा, देन दिस पॉइंट विल बी क्लियर फॉर यू, ओके? तो या ओके सर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अलग अलग टर्म्स बता रहा हूँ, आई एम ओनली यूजिंग द टर्म्स। टर्म्स को अब यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ओके? सो वन इज, दिस इज स्टैंडर्ड एक चीज है, एक बजटेड एक चीज है, ओके? तो बजटेड ही आपका प्लेन स्टैंडर्ड रहेगा, विच यू विल पुट डायरेक्टली, ओके? और ये जो स्टैंडर्ड है ये कैसे निकाला जाएगा हम देखेंगे, ओके? ये स्टैंडर्ड भी एक अलग चीज होता है, बजटेड भी एक अलग चीज होता है, ओके? राइट, तो ये जो स्टैंडर्ड है, दिस स्टैंडर्ड इज फॉर द होल पीरियड, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं, इट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है?
एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट हमारा निकला है कुछ इतना, ठीक है, उस आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड बेसिस में कितने आवर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो हम निकालते हैं एज स्टैंडर्ड। ओके हाँ, आप पूछिए सुमित जी। सर, ये बजटेड मतलब कि बिफोर प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड मतलब कि जो आउटपुट निकला नहीं नहीं आफ्टर प्रोडक्शन? नहीं 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 नहीं, ये दोनों भी है बिफोर प्रोडक्शन। दोनों ही। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रीवियस के हिसाब से, प्रीवियस में जैसे बनता था, या फिर रिकॉर्ड्स के एक ऑन एन एवरेज निकाल के। जैसे आप स्टैंडर्ड पहले करते थे वही है, जो आपका आफ्टर प्रोडक्शन रहेगा उसका नाम रहेगा एक्चुअल। एक्चुअल, सॉरी, ठीक, एक्चुअल। तो ये तब ये मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ एक प्रस्तावना दे रहा हूं मैं, जस्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे हम आगे आगे जाएंगे ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, ये दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ठीक है यहाँ पे इसमें, सो दिस इज ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को पहले देखते हैं। ओके सो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, सो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आपका फिक्स्ड ओवरहेड भी आ जाता है एंड वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाता है दोनों। ठीक है, एक्चुअली स्पीकिंग ये होता है प्रैक्टिकली, आप इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, आप जब जोड़ देते हैं दोनों को ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो ये है, एंड देन चलिए तो इतना अपन देखते हैं पहले। ठीक चलो, फर्स्ट इज ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड, कि जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में एक चीज हमने हमेशा बहुत अच्छे से हमने देखा था, दैट वाज फर्स्ट स्टेप। क्या है आपका फर्स्ट स्टेप, हमने देखा था कभी हमेशा मैच द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जब मैच होता है दोनों तभी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, करेक्ट। आउटपुट ही मैच नहीं हो रही, वन थिंग इज स्टैंडर्ड इज फॉर 500 यूनिट्स और 500 आवर्स, एक्चुअल इज फॉर 200 2500 आवर्स, तो आप मैच नहीं कर पाओगे उसको, करेक्ट। सो यू हैव टू ऑलवेज मैच द आउटपुट, पहली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं, यू विल मैच द आउटपुट, सो यू फाइंड द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, यानी एक्चुअल आउटपुट में अब एक्चुअली अगर देखेंगे तो एफिशिएंसी कम ज्यादा रहेगी, करेक्ट। अगर मान लीजिए अगर इन स्टैंडर्ड, ठीक है, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड, ओके एंड दिस इज एक्चुअल, राइट, सो लेट अस से ओके आवर्स, स्टैंडर्ड में इट शुड हैव बीन 500 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल में आया है 600 आवर्स। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, ये 600 आवर्स में आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए होंगे, करेक्ट, यू हैव मेड अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो दोनों यूनिट्स को हमको मैच करना पड़ेगा। से दिस स्टैंडर्ड इज फॉर लेट अस से ये है 550 यूनिट्स आप बना रहे हो उसमें, ओके, और ये जो 600 यहाँ बना रहे हो ये दिस इज फॉर 600 यूनिट्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आप 600 यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है, आर द यूनिट्स मैचिंग, नो यूनिट्स मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको कंपेयर करने के लिए यू हैव टू मैच द आउटपुट ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वी नेवर चेंज द एक्चुअल, वी चेंज द स्टैंडर्ड, ये गाइडलाइन। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, 600 यूनिट्स का हम स्टैंडर्ड निकालेंगे। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, 550 यूनिट्स में के लिए आपको 500 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो 600 यूनिट के लिए कितने लगने चाहिए, 600 इंटू 500 अपॉन 550।
ठीक है, इतने घंटे, ओके। तो ये जो मेरे को 545 जो आया है ना, ओके, दिस इज व्हाट इज वी कॉल एज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। इस तरह से हम पहला एक एक्चुअल के बेसिस में हम एक स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइन। ये हाँ, ये 545 आवर्स है, ये आवर्स है, और यहाँ पे 600 आवर्स हमको ये मिल गया। 500 हमारे काम के नहीं थे, क्योंकि आप ये 500 आवर्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 500 घंटे किसी और एफिशिएंसी के लिए, इट इज नॉट फॉर द सेम एफिशिएंसी एज एक्चुअल। यहाँ आपने 550 यूनिट बनाए, यहाँ आपने 600 बनाए, तो अगर मैं बोलूंगा कि 100 आवर का डिफरेंस है तो गलत हो जाएगा, ओके। डिफरेंस 100 आवर्स का नहीं है, डिफरेंस इज फॉर 600 माइनस 545, दैट मच इज द डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया? सर एक बार फिर से बताइए तो, ये 600, ये 545 कैसे आया? ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे आपके आवर्स इज 500 आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड है, और 500 आवर्स में यू आर मेकिंग 550 यूनिट्स, ठीक है, ओके एक्चुअल में यू आर मेकिंग 600 यूनिट्स, और ये एक्चुअल का काम हुआ है आपका 600 आवर्स, ठीक है। अब इसका और इसका वेरिएंस एनालिसिस हम नहीं कर सकते जब तक आउटपुट मैच नहीं होता, ठीक है। टू मैच द आउटपुट व्हाट यू विल डू इज, ये है 550 यूनिट्स, ठीक है, सर। और इसके आवर्स है 500 आवर्स, ठीक है। तो 600 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर्स लगते हैं ये निकाले हम, 600 इंटू 500 अपॉन 550, ओके। ओके सर, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ओके, ये चीज हमको निकालना पड़ता है इसमें पहले। चलो, सो नाउ हियर, सो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है आपका यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसीलिए बोल रहे थे दिस सेंटेंस जो है, ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट सिज टू मैच एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड हो सकता है 1000 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल अभी निकला है मेरा 200 यूनिट्स के लिए, तो मैं उसको डिफरेंस निकाल के ये नहीं बोल सकता इतना वेरियंस हो गया, अगर 200 को 200 से ही कंपेयर करूंगा ना, 200 को 1000 से कंपेयर नहीं कर सकता मैं, करेक्ट। दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकम, ठीक है, ये है आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। ये बहुत सिंपल है, ओके, ये अगर निकालना भी पड़ेगा तो ऐसा डायरेक्ट ही आएगा आपका, ओके, राइट। नॉर्मली जैसे इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस इज कैलकुलेटेड, वेरिएबल इज कैलकुलेटेड, ठीक है, दोनों को ऐड कर देने से ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ओके। अच्छा, अब आते हैं हमारे ना मेन चीज में, फिक्स्ड ओवरहेड, इन ओवरहेड वेरियंस मेन पार्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस। नाउ हाउ इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेटेड, ये भी सेम है ऊपर जो देखे आपने, बस यहाँ पे ओवरहेड बोल दिए थे बिकॉज इट वॉज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, हियर यू विल यूज द वर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, दैट्स ऑल। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये है आपका फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरियंस, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हम बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर्मूला मेथड फॉर कैलकुलेशन, मैं सिर्फ आपको आई एम जस्ट पुटिंग यू इन पर्सपेक्टिव ये सब क्या क्या है, फिर हम हमारे टेबल में चले जाएंगे, वहां पे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे देन, चलो अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस के तीन पार्ट्स होते हैं विच आई टोल्ड यू देयर, सॉरी दो पार्ट्स होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस जो है इसका एक्रोनिम है आपका बेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, बेस्ट वॉल्यूम। सो बेस्ट का BES इज व्हाट, एक ही वर्ड है एक्चुअली, बजट, आइदर यू कॉल इट बजट वेरियंस और यू कॉल इट एक्सपेंडिचर वेरियंस और यू कॉल इट स्पेंडिंग वेरियंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ये सब एक ही है, ओके। तो नॉर्मली इसका नाम, इसको बजट वेरियंस बोला जाता है नॉर्मली, ओके, तो ये तीनों नाम से इसको बुलाया जाता है, दैट्स व्हाई इसका शॉर्ट नेम इज BES, बेस्ट बोल सकते हैं आप,
बेस्ट वॉल्यूम, ऐसा आप मान सकते हो ना, व्हाट इज द बेस्ट वॉल्यूम फॉर अस, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो बजट वेरियंस एंड वॉल्यूम वेरियंस, ठीक है। अब ये दोनों क्या है देखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस यू हैव सीन, व्हाट इज बजट वेरियंस एंड वॉल्यूम वेरियंस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट जो है आपका ये क्या है, व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वेरियंस, एंड बजट वेरियंस नाम ही बजट है, सो इट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। ये बजटेड माइनस एक्चुअल होता है, ओके। आई विल ऑल्सो शो यू हाउ दिस प्लस वॉल्यूम वेरियंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, वो भी बताऊंगा, राइट। तो इसका कुछ कॉजेज वगैरह आप देख लेना, इट्स देयर, वो वीडियोज में एक्सप्लेन्ड है, ओके, दैट यू कैन सी। इसको निकाला जाता है, यू आर जस्ट सीइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, ओके, वो है आपका बजट वेरियंस। दूसरा है वॉल्यूम वेरियंस, ठीक है। व्हाट वाज योर सेकंड वन आपके मटेरियल वगैरह में भी, वाज एफिशिएंसी वेरियंस, करेक्ट, एफिशिएंसी या आपका यूसेज वेरियंस, करेक्ट, यूसेज वेरियंस आपका सेकंड होता था कभी भी। यूसेज वेरियंस में क्या कभी आप प्राइस को कंसिडर करते थे, डिड यू कंसिडर प्राइस इन यूसेज वेरियंस, नो सर, नेवर, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे सेकेंड वॉल्यूम वेरियंस है, ये यूसेज वेरियंस का भाई है, ओके। सो विच इज वाई यहाँ पे भी आप जो है एक्चुअल की बात, यहाँ पे देखिए पहले वाले में एक्चुअल की बात हुई, ओके, यहाँ पे एक्चुअल की बात नहीं होगी, यू आर ओनली कंपेयरिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड विथ बजट, ठीक है। ये आर दे आर कॉलिंग इट एज रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, का मतलब ये है, ठीक है, जब मैंने आपको ओवर अब्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। सो वेयर देयर यू हैड सेट स्टैंडर्ड और बजट फॉर 1000 यूनिट्स, ठीक है, ओके, बट एक्चुअल यूनिट्स जो है आपके वॉज 950, 850 पकड़ लीजिए, ठीक है, दिस वॉज योर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। सो ये रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे, ये 850 इंटू बजटेड कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये 850 इंटू दैट कॉस्ट पर यूनिट जो मैंने ऊपर बताया था, उसमें 50 आया था, राइट, कॉस्ट पर यूनिट, सो यस वो सर, दैट 50 ये करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज रिकवर्ड पर यूनिट। इन अदर केस ये आपके एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ओके, नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो सर इसमें ये वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा कैसे, मतलब 1000 यूनिट्स इनटू 550 और 85 इनटू 50 इस टाइप से। 850, 850 हाँ, इनटू 50 है रिकवर्ड फिक्स, नाम जस्ट गो बाय द नेम, रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड, कितना आप रिकवर कर पाए ऑर्डर्स में, ये 850 आपके ऑर्डर्स है टोटल, व्हाट यू आर यू वुड हैव चार्ज्ड देम इन ऑल टोटल में 850 इनटू 50, ठीक है। यस सर, तो इसीलिए दिस इज रिकवर्ड एंड माइनस बजट, ठीक है। अब अगर आप ओके, तो इसमें जब हम फॉर्मूले हमारे टेबल में जाएंगे, हम और थोड़े डिटेल में जाएंगे, ओके, वहाँ इट विल बी फुल्ली आपको पूरी तरह समझ जाएगा। सिर्फ थ्री फेजेस आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वन वाज द जनरल एक्सप्लेनेशन, सेकेंड इज दीज आर ऑल फॉर्मूले, ठीक है, थर्ड जहाँ आपको यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम्स, वो हमारा टेबल, ओके, टेबल में। सो नाउ आपका दिस प्लस दिस बजट वेरियंस, ठीक है, कभी भी नाम पूरा लेना है सर, बजट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग वेरियंस, क्योंकि अचानक अगर एग्जाम में स्पेंडिंग वेरियंस पूछ लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पूछ रहा है, ओके। सो बेस्ट वॉल्यूम इसका है, बेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, इट्स द एक्रोनिम फॉर दिस। तो चलो, तब अब इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, ओके, तो क्या होगा, एड दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये बजटेड और बजटेड कट जाएगा, करेक्ट, दिस इज प्लस है बजटेड, ये प्लस में और यहाँ माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, करेक्ट, ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बजटेड और माइनस बजटेड, यस सर, कट जाएगा।
तो बचेगा क्या, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड. ठीक है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, वो ये है. स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, यस ठीक है. इस तरह से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है. वॉल्यूम वेरिएंस के देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, ओके. सो जैसे वॉल्यूम वेरिएंस है, नाम इसका है वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है. तो वैसे जो दिस इज, ये वेरिएंस आपका आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्चुअल प्राइसेस, क्योंकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से डिफरेंस ले रहे हैं, विल बी चेंज इन एक्चुअल रेंट, एक्चुअल प्राइसेस, ठीक है, इसीलिए ये वेरिएंस आता है. वॉल्यूम वेरिएंस जो है इसका, दिस इज लाइक यूसेज वेरिएंस, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, दिस हैज नथिंग टू डू विद प्राइस, इजंट इट. सो वॉल्यूम वेरिएंस जो है, इट इज लाइक यूसेज और एफिशिएंसी वेरिएंस जो लेबर में हुआ करता था, ओके, लेबर में और मटेरियल में. सो इसमें क्या होता है ना, इट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है. तो जो आपके रिकवरी में जो आपका ये आया है, ठीक है, इसका एक और नाम है, जैसे हमने क्या बोले थे, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के तीन पार्ट्स होते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस हैज थ्री पार्ट्स, ओके. एफिशिएंसी. वन इज कैपेसिटी, ये है ओह यस, एक्रोनिम इज ओके. सी एस, ठीक है, सी एस सी ए इज एफिशियंट, ठीक है, या तो आप सी ए बोलिए सी ए, और जो, ठीक है, या इसका एक और तरीका है, बोलिए काका, काका इज एफिशियंट, ठीक है. तो पिक्चरों में सब काका रहते हैं ना, रामू काका, राइट. सो दैट उसमें उस हिसाब से आप देख लिख सकते हो, काका इज एफिशियंट और से सी ए इज एफिशियंट, दो बार बोलना है, सी ए सी ए एफिशियंट, ठीक है. ये वॉल्यूम वेरिएंस का के तीन पार्ट से तीन, फर्स्ट सी ए इज कैपेसिटी वेरिएंस, सेकेंड सी ए इज कैलेंडर वेरिएंस, ओके, और थर्ड इज एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है. ये है एफिशिएंसी वेरिएंस. एक्चुअली इसको कभी कभी शॉर्ट में, ठीक है, ओके. तो वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना, इसका मेन जो देखा जाता है, इसको एफिशिएंसी के ऊपर देखा जाता है, ठीक है. देखिए यहाँ पे जो है, थर्ड एक पार्ट है एफिशिएंसी उसका एक्चुअली, और वॉल्यूम वेरिएंस, ओके, इसका एक पार्ट है. बट यहाँ पे ये होता है ना कि इन वॉल्यूम वेरिएंस क्यों एफिशिएंसी के ऊपर इसका मेन ये देखा जाता है, ओके, दैट इज बिकॉज अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स विल डिपेंड ऑन एफिशिएंसी, कितने यूनिट्स आप ज्यादा बना रहे हो, राइट. मोर द यूनिट्स यू मेक, मोर विल बी द अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, राइट. लेस यूनिट्स यू मेक, लेस विल बी द अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, है ना. तो ये रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंसी से आप काम करते हो उस पर डिपेंड करता है, ओके. तो इसलिए इसका एक पार्ट हम बोल सकते हैं, जिसका एक मेजर पार्ट है, इट इज, इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी, वॉल्यूम वेरिएंस का वन पार्ट जो आपका सबसे आखिरी में है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज एक पार्ट है वॉल्यूम वेरिएंस का, ओके. नाउ कैपेसिटी वेरिएंस जो है, ओके, कैपेसिटी वेरिएंस में एफिशिएंसी नहीं देखते आपका, ठीक है, एक्चुअल एफिशिएंसी जो है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड कैपेसिटी डिटरमाइन की, ओके, सो इज योर कैपेसिटी हायर और लोअर देन दैट, उसके कारण ये वेरिएंस आता है, ठीक है. प्रॉब्लम ये हो जाता है, देखिए जो ये हम एक्चुअल में नहीं जा रहे, इसका एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है कैपेसिटी वेरिएंस का, ठीक है. तो यहाँ पे बस ये है कि आप देख रहे हो कि जो कैपेसिटी है हमारा, ठीक है, कैपेसिटी कई चीजों से कैपेसिटी चेंज हो सकता है, इसके ये सारे आपके रीजंस हैं, ओके. वन कैन बी ओवर और अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ, ओवर और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है. यूटिलाइजेशन आपने कितना अच्छा किए या कितना बुरा किए उससे ही होता है. कभी कभी देर कैन बी आइडल टाइम्स, स्ट्राइक्स हो सकते हैं, ठीक है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकते हैं,
ओके, ये सारी चीजों से आपके कैपेसिटी का यूसेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कैपेसिटी का वो यूसेज जो एफिशिएंसी के कारण नहीं हो रहा है, जो एफिशिएंसी के कारण हो रहा है दैट इज गोइंग इनटू द लास्ट वन, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, वन डिफरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, वन डिफरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, तो लॉकआउट, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, ये सब पावर फेलियर, ये सब चीजों से व्हेन द चेंज कम्स तब आप कैपेसिटी वेरिएंस बोलते हो। ठीक है, तो यही चीज, यही है, आप जो देख रहे हो इन ऑल दीज थ्री थिंग्स यू आर सीइंग दिस ओनली, इसी को एग्जामिन कर रहे हो। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बस क्या डिफरेंस है, कॉजेज उसके डिफरेंट है। कभी कभी ये एफिशिएंसी के कारण ये रिकवर्ड डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है, समटाइम्स इट इज ड्यू टू सम अदर रीजंस जो हमने अभी देखा, ओके, उसके भी कारण ये हो सकता है। सो बेस्ड ऑन द कॉजेज इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड डिवाइड कर कॉज के हिसाब से। ओके, दिस इज कैपेसिटी वेरिएंस, और ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, राइट, लेकिन आपको यू डोंट हैव टू वर्कआउट विथ फॉर्मूला, इसीलिए हम लोग टेबल मेथड से देखेंगे, बट इसका फॉर्मूला इज दिस, यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर वर्क माइनस बजटेड आवर्स, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। ओके, इस तरह से इसको देखा जाता है। ओके, और इसको इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड इनटू एक्चुअल आवर्स बिकम्स स्टैंडर्ड ओवरहेड बोलते हैं। सेकेंड वाला है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर इंटू बजटेड आवर्स, ये इसको बोलेंगे हम बजटेड ओवरहेड। सो इसको स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हम जब टेबल मेथड से हम करेंगे सारे कंप्यूटेशन ऑफ वेरियंस, वी विल नॉट बी यूजिंग फॉर्मूले। ओके, आपके इसमें भी योर स्टडी मटेरियल इट्स ओनली टेबल मेथड, ये सिर्फ आपको जस्ट फॉर नॉलेज सेक है। ओके, और देन दूसरा है कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको पहचानना भी बहुत सिंपल है। ओके, नाम क्या है इसका, कैलेंडर, कैलेंडर मतलब डेज हो गया। ठीक है, ये कब होगा ना, व्हेन स्टैंडर्ड या बजटेड जो है आपका, ठीक है, बजटेड वॉज फॉर 30 डेज। ठीक है, काम सब आपका सेम एफिशिएंसी से चला, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग हैज चेंज, बट एक्चुअली हमने काम किए हैं टोटल 35 डेज काम। ठीक है, अब वेरिएंस में आपका एफिशिएंसी ये सारी चीजें सब बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने ज्यादा दिन काम किए हैं और इसीलिए आउटपुट ज्यादा है। ओके, जब इसका हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं कैलेंडर वेरिएंस। दिस इज कॉज ओनली बिकॉज मोर नंबर ऑफ डेज आर वर्क, तो प्रॉब्लम में आपको यू विल बी गिवन नंबर ऑफ डेज वर्क। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज बजटेड और एक्चुअल या स्टैंडर्ड और एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा और वो अलग है वो पहचान है कैलेंडर वेरिएंस की। ये नहीं दिखा अगर प्रॉब्लम में, ओके, ये नहीं दिखा प्रॉब्लम में, देन कैलेंडर वेरिएंस नहीं रहेगा प्रॉब्लम आपके आंसर में। ठीक है, ये डेज का डिफरेंस नहीं रहा, ये नहीं रहेगा, बहुत ही इजी है इसको पहचानना। ठीक है, आई विल शो इन प्रॉब्लम्स कि कैसे आप, ये नहीं रहा, अगर ये डेज नहीं रहा तो आपको देयर विल बी नो कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, बस सिर्फ वेरिएंस के हिसाब से है, और इसके लिए, इसी चीज के लिए हमको रिवाइज बजटेड आवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज लाइक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें आपको बस क्या करते हैं, ठीक है, रिवाइज बजटेड आवर्स आप जब कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली आपने 35 डेज के लिए काम किए हैं। ओके, तो सारे खर्चे 35 डेज के लिए लगना चाहिए, जो वट एवर इज योर बजटेड अमाउंट, बजटेड जो आपका अमाउंट है इसका, ओके, उसको आप बस मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 35/30, बस आपका रिवाइज बजटेड आवर्स मिल जाएंगे। बजटेड आवर्स जो है आपके 30 डेज के, यू विल हैव सम बजटेड आवर्स, राइट, मल्टीप्लाई बाय दिस 35/30, यू विल गेट रिवाइज बजटेड आवर्स, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, ये आपका कैलेंडर वेरिएंस। आखिरी वाला जो मैं बोला, जो कि इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी वेरिएंस,
है। ओके तो ये है, दिस इज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बजेटेड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्चुअल एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी से है, यानी ये बेसिकली आपका ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन वाला जो डेटा है उससे ये इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, बस ये इसका फॉर्मूला है। इन अदर वर्ड्स, इट इज रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। ओके, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे फॉर्मूले में, क्योंकि आपको फॉर्मूले जो है आपको क्यों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको हमको सारे प्रॉब्लम्स या सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ हमको वी हैव टू गो बाय द योर टेबल मेथड। ठीक है, इसीलिए उसके हिसाब से हम सारे लॉजिक प्रॉब्लम्स कैसे उसमें सेट करना है वो देखेंगे। ओके, इसके ऊपर से करेंगे तो आपको बस टाइम वेस्ट ही होगा। ओके, दिस जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। सो ये है एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ओके, ये सब इसके फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको विल गो टू द टेबल मेथड, जो हमारा मेन है, इसमें से आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, एक बार फिर से आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है, हाउ दिस टेबल वर्क्स। ठीक है, फर्स्ट इज ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, इट इज द ओवरऑल ओवरहेड वेरियंस। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, नाउ फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ट वॉल्यूम, बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरियंस। ठीक है, और वॉल्यूम वेरियंस। ओके, वॉल्यूम वेरियंस में का आखिर एक्रोनिम इज CACA इज एफिशिएंट। ठीक है, ओके, तो ये है आपका कैपेसिटी, 1 CA इज कैपेसिटी, कैलेंडर और एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल में हम जाएंगे बाद में, बहुत सिंपल है। वेरिएबल इज लाइक स्टैंडर्ड, इसका फिक्स्ड का डिस्कशन जब हो जाएगा, वेरिएबल विल बी लाइक योर इट विल टेक नॉट मोर देन 20-30 मिनट्स, 20 मिनट्स मेरे ख्याल से, कुछ है ही नहीं वेरिएबल में। ठीक है, इट इज डिवाइडेड ओनली इंटू टू पार्ट्स, एफिशियंसी और एक्सपेंडिचर वेरियंस। ठीक है, जिसको प्राइस वेरियंस भी बोलते हैं, दैट इज ये वेरिएबल दो ही चीज में का कारण वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस होता है, बिकॉज वो तो पर यूनिट में ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वेरिएबल। तो वन विल बी डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, वो एक रहेगा। दूसरा विल बी एफिशिएंसी वेरियंस। ठीक है, अगर एफिशिएंसी में कोई वेरियंस है तो उसका उसको आप अलग से निकाल सकते हो। एक है प्राइस का वेरियंस, दूसरा इज एफिशिएंसी वेरियंस, बस। ठीक है, और कुछ नहीं होता वेरिएबल में। ओके, सो वो देखेंगे बाद में। सो चलिए, अभी हम फिक्स्ड ओवरहेड्स में जा रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका, दिस इज योर टेबल मेथड। ठीक है, सो टेबल मेथड में ओके बहुत ही आसानी से आपको सब समझ जाएगा। हियर ओनली थिंग इज, पांच चीजें आपकी बनती है, पांच ही बनेगी, इसके ऊपर कभी नहीं बनेगी। ओके, जस्ट कैलकुलेट दिस 5, ऑल आर वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ओके, आई विल शो यू विद सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये है SR, मतलब स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जो है अब्सॉर्प्शन के लिए हम जो स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट करके आएगा। पहले तीनों के लिए यू नीड द स्टैंडर्ड रेट, एक ही फिगर हमको चाहिए यहाँ, ये तीनों के लिए। ठीक है, सो नाउ स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स जो है, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, तो मैंने पहले निकाल के बताया था ना आपको, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एक्चुअल क्वांटिटी हाउ मच स्टैंडर्ड आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड, वो स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, और ये आपके एक्चुअल आवर्स जैसे के वैसे डालना है आपको यहाँ। ओके, तो आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रेड एंड ग्रीन लाइंस हैव टू बी मल्टीप्लाइड। ओके, दिस इज SR इनटू AH। ओके, और थर्ड इज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड बिजनेस आवर्स,
एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड रेट, ये और एक चार जगह आपको स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, एक बार आप स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे आप चार जगह यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज बजटेड आवर्स, ये दोनों बजटेड है इसलिए दोनों को एक कलर दे दिया। ओके, तो दिस इज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज, रिवाइज का कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका बजटेड आवर्स है ना, ये तो आपके पास रहेंगे, जस्ट टेक दिस मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ कैलेंडर डेज जो ज्यादा काम किए। ओके, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। तो वेयर देर इज नो कैलेंडर, जैसे जो डेज नहीं दिए हैं 32 एंड 30 डेज, हाँ वो अगर नहीं दिए, अगर प्रॉब्लम इफ दैट इज नॉट देयर, देन रिवाइज बजटेड आवर्स विल बी सेम एज बजटेड आवर्स, करेक्ट। 32 और 30 था, ओके, व्हेन द डेज वर डिफरेंट ओनली देन वी आर कैलकुलेटिंग रिवाइज बिजनेस आवर्स, बजटेड आवर्स, ठीक है। जब डेज का इंफॉर्मेशन नहीं है, बोथ हैव वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ डेज, देन रिवाइज बजटेड आवर्स है ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा आपका, फिर ये सिर्फ ये चार रहेंगे आपके कंप्यूटेशन। ओके, व्हेन देयर इज कैलेंडर वेरिएंस ओनली देन दिस पॉइंट नंबर 3 विल कम, अदरवाइज इट वोंट कम। ओके, लास्ट वाला है एक्चुअल, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल लास्ट, ठीक है। ये तो ठीक है, दिस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल लास्ट, ये पांच आपको चीज कैलकुलेट करना है, बस मुझे ये पांच कैसे कैलकुलेट करते हैं उतना ही सिखाना है आपको, इट इज वेरी सिंपल। ओके, बहुत आसान है, ये पांच कैलकुलेट करना आपने सीख लिए, वेरिएंस आपके यू निकल जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज द ट्रिक एंड वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस, ठीक है। तो नाउ आई वॉन्ट टू शो यू कि ये पांचों को हम कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, क्या और ये क्या क्या है। ओके, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, ये है वो, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी बोल सकता हूं उसको मैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी है इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, इसको बोलते हैं आप, इसको हालांकि यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ओके, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम्स में बताऊंगा थोड़े बहुत आपके स्टडी मटेरियल में, थोड़े बहुत चीज़ें जिस ढंग से लिखी गई है उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एस आर इंटू एस एच इज, क्योंकि ये एस एच इज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी है और ए एच है टोटली एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी है ये आपका। ओके, और चलिए ये दूसरा है, दिस इज रिवाइज बजटेड, यहाँ पे आर बी एच इज रिवाइज बजटेड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज बजटेड ओवरहेड है, दिस इज स्टैंडर्ड रेट इंटू बजटेड आवर्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होता है ये, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, इसको बोलने के लिए ये है, ठीक है, ये चार इसके नाम हैं और आपको ये वेरिएंसेस कैसे निकलते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, सबसे पहले ये देखेंगे हम, ये है हमारा, ओके, जस्ट बी विथ मी, आपको ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट फुल्ली कैसे कैसे निकाला जाता है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है आपका, योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, बेस्ट वॉल्यूम है पहला, करेक्ट, सो बजट वेरिएंस, ओके, एंड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, बजटेड वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट, समझ रहा कि नहीं समझ रहा है,
शांत हो गए ऐसे एकदम? नहीं यस सर, सर इससे आ रहा ज्यादा है। अच्छे से समझ आ रहा है। ओके सो सबसे पहला है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ओके एक्चुअल क्वांटिटी के लिए इतना स्टैंडर्ड है, दिस इज योर एक्चुअल एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये दोनों का डिफरेंस मुझे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दे देगा, करेक्ट? ये सबसे ऊपर वाला है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, दिस माइनस दिस शुड गिव मी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, करेक्ट? क्योंकि ये है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी और ये है एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, यानी ये एक्चुअल है, तो ये जिसके लिए एक्चुअल है उसके लिए ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? समझ में आया? दैट्स व्हाई 1 माइनस 5 विल बी योर फिक्स्ड सर ये ओवरहेड वाला फिर से वेरिएंस। बताएंगे तो? सर हाँ ये वाला कहने रिपीट सर, क्या अभी जो आपने बोला कि ये स्टैंडर्ड जो है दूसरे, सर ये जो एक्चुअल है ये दूसरे के लिए स्टैंडर्ड है, मतलब क्या नहीं समझना है? थोड़ा जोर से बोल गया। सर मैंने बोला, अभी जो आपने बोला है ना कि ये जो हाँ एक्चुअल है ये दूसरे के लिए स्टैंडर्ड है, ये कैसे है? ये ऐसे हैं कि ये एक्चुअल आवर्स है इनटू एक्चुअल रेट है, ए आर रेट, एस एक्चुअल रेट, तो यस सर, ये एक्चुअल है, ठीक है, ये क्लियर है, दिस इज यस एक्चुअल। सर, अब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ये एक्चुअल क्वांटिटी अगर अगर स्टैंडर्ड रेट में बनाए जाते हैं तो कितने आवर्स है वो है। नाउ स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी करूंगा तो इसी का स्टैंडर्ड हो गया, 5 का स्टैंडर्ड इज 1, यस सर, ठीक है, दैट्स व्हाई 1 माइनस 5 इज योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सबसे ऊपर वाला। यस हाँ ओके सो ये बात आप दिमाग में आप भर लो, बिल्कुल 1 माइनस 5 है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। कभी कभी व्हाट विल हैपन इज दिस विल नॉट बी देयर, कुछ प्रॉब्लम में ये नहीं रहेगा आपका, ओके अगर ये नहीं रहेगा ना तो इसका नंबर 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ओके 1 2 तो वैसे ही रहेंगे हमेशा, ओके बट 3 विल नॉट बी देयर समटाइम्स, देन 4 विल बिकम 3 एंड 5 विल बिकम 4, कुछ भी हो इन एनी केस ये नहीं भी रहा ना, फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाला विल बी योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, ये हो गया क्लियर। नाउ उस इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेकेंड इज ये है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस ये देख लिया हमने, 1 माइनस 5 था, इसके दो पार्ट्स से वी नो बेस्ट वॉल्यूम, ओके सो बजट वेरिएंस, बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, बेस्ट वॉल्यूम, ओके वैसे याद नहीं रखेंगे तो इसमें इतनी सारी चीजें वेरिएंस एनालिसिस में यू कैन फॉरगेट, इसीलिए इस ढंग से आप याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बजट वेरिएंस, इसका नाम ही है बजट वेरिएंस तो ये बजट से चालू होना चाहिए, नाम ही बजट है तो बजट से चालू होना चाहिए, तो बजट वेरिएंस में हम ये निकालते हैं बजट और एक्चुअल का क्या डिफरेंस, सो इट इज नथिंग बट दिस लास्ट 2, 4 और 5 का डिफरेंस, ठीक है, बजट और एक्चुअल का डिफरेंस इज बजट वेरिएंस, ठीक है, और बजट का ये एक ही है आपके पास, ये तो रिवाइज्ड बजट है, इसका यूज इसमें नहीं आएगा, ओके बजट का ये एक ही है, सो बजट माइनस एक्चुअल विल बी बजट वेरिएंस, 4 माइनस 5 बिकम्स आपका बजट वेरिएंस, ठीक है। और फिर है आपका ओके चलिए इसके बाद में आपको एक और चीज बता दूं, सबसे पहले वो ये हो गया बजट वेरिएंस, ठीक है, ये दो चीज हमने देख ली। नाउ है हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, जो वॉल्यूम वेरिएंस मैंने क्या बोला था किसके जैसा है, ये दिस इज लाइक यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस मतलब आप कहीं ना कहीं दो स्टैंडर्ड को ही कंपेयर करेंगे, करेक्ट, एक्चुअल तो आप यूज नहीं कर सकते इसमें, करेक्ट, सो यू हैव टू, इट इज लाइक यूसेज वेरियंस, आप इसी को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये होता है 1 माइनस 3, ये भी स्टैंडर्ड है, सॉरी 1 माइनस 4, दोनों स्टैंडर्ड क्या है, या तो स्टैंडर्ड है या तो बजटेड है, दोनों स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो आप इसको करोगे 1
माइनस फोर, ठीक है, ये है वॉल्यूम वेरियंस। ओके, इसमें क्या होता है ना, जिस स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बजटेड आयर, दिस इज योर बजटेड क्वांटिटी, ठीक है, होल ईयर के लिए और होल पीरियड के लिए, वट एवर इज योर बजट, यहाँ यहाँ मिल गया। बट ईयर आपको जो है वॉल्यूम के बोलते, वॉल्यूम जो है आपका रियल में कितना यूनिट्स बनाया, दैट इज वॉल्यूम, वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, उसके कारण ये स्टैंडर्ड कम ज्यादा हो रहा है, ये भी स्टैंडर्ड है, बट वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ इसके कारण ये कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो बजट वेरियंस इज गिवन एज, बजट वेरियंस विल गिव यू ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड्स, बजट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, तो बजट वेरियंस आप क्या करोगे, आप 1-4, ठीक है, बजट वेरियंस विल ऑलवेज बी 1-4 आपको करना पड़ेगा। ओके, विल गेट योर बजट वेरियंस। इसको कैसे याद रखना है आपको, हाउ विल यू रिमेंबर बजट वेरियंस, कि ये दोनों स्टैंड, ये यूसेज का भाई है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअल का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, अगर इसमें एक्चुअल का कोई काम नहीं है तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्चुअल है, इसको मैं काट सकता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे भी एक्चुअल दिख रहा है हमको, राइट, इसको भी आप काट सकते हो। ओके, रिवाइज बजट आर से तुमको मतलब नहीं है, कैलेंडर वेरियंस नहीं है, ठीक है, रिवाइज वाला जो है सबसे सब वेरियंस के भी नीचे आता है रिवाइज, करेक्ट, तो रह जाता है यही दो आपके। एक और मैं आपको खास बात बताता हूँ जो आपको बहुत काम देगा। ओके, कभी भी इस टेबल में कोई वेरियंस बाद का माइनस पहले का नहीं होगा, इट विल ऑलवेज गो राइट, ऐसे ही जाएंगे, अगर आपने वन चूज किए, ठीक है, तो वन माइनस कुछ होगा, 2, 3, 4, 5 जो भी, आगे ही जाएंगे आप, पीछे नहीं जाएंगे। ओके, राइट, तो इसीलिए आपको ऐसा कोई वेरियंस नहीं होगा जिसमें दिस माइनस दिस करोगे आप, उल्टा नहीं जाना है आप, ठीक है, कोई भी वेरियंस, ये आपके लिए अगर कभी भी कंफ्यूज होता है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस लॉजिक, कि हम उल्टा नहीं जाएंगे, आप सीधा ही जा सकते हो, यू टू गो लाइक दिस ओनली, यानी मैंने वन से चालू किया है मुझे आगे ही जाना है, मैंने थ्री से चालू किया तो मैं टू और वन में नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू टू और वन। ओके, इससे आपका काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस चीज से, ठीक है, इतना हो गया हमारा, दिस इज 1-4, चलो वॉल्यूम वेरियंस हो गया, वॉल्यूम के अंदर तीन है, सी ए, सी ए एफिशिएंट, ठीक है, तो सी ए क्या है, कैपेसिटी, थोड़े बार आप बोलोगे ना तो ध्यान में आ जाएगा, कैपेसिटी वेरियंस, कैलेंडर वेरियंस एंड एफिशिएंसी वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है, ये तीन चीजें आपको करना है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक वाइज भी इसको और इससे क्यों कर रहे हैं, दैट आई विल टेल, जो मैंने अभी तक तो बताया हूँ आपको। ओके, तो इसमें एक चीज, दो चीजें बता रहा हूँ, वन इज द लॉजिक, वन इज फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है, एग्जाम के लिए जरूरी है कि आपको याद रहे कौन सा क्या है। सो ना, वॉल्यूम वेरियंस में क्या याद रखना, सबसे आखिरी वाला जो है, लास्ट वन, आखिरी का पहला है, ठीक है, सो एफिशिएंसी वेरियंस इज नथिंग बट 1-2, ठीक है। अब जो ये तीनों भी है ना, ये सीधे सीधे रहेंगे, एक का रहेगा आपका 1-2, एक का रहेगा आपका 2-3, एक का रहेगा आपका 3-4, ये तीनों का, ठीक है, लास्ट थ्री को आपको वैसे याद रखना। तो फॉर दिस, इसमें से एक मैं बता रहा हूँ पहले, लास्ट का फर्स्ट है, ये याद रखना। ओके, एफिशिएंसी वेरिएंस, ओके, सो ये है, दिस इज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ये है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस जो आया है, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है, यानी एफिशिएंसी के कारण ही ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये आप ले रहे हो स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड रेशियो में कितने आवर्स होने चाहिए, एक्चुअल आवर्स को ही हम स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो आप देखोगे प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगर ये कम आ रहा है, ओके, तो ये एफिशिएंसी के कारण ही इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, अगर अगर ये जो है ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, मतलब ये हैव नॉट बीन एफिशिएंट, ठीक है, तो इसीलिए 1-2 इज एफिशिएंसी वेरियंस। ओके, तो अभी तक के हमने क्या देखे, आपका सबसे पहला ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस क्या माइनस क्या है, फर्स्ट वन, सॉरी, जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस क्या है, इसमें ये सर, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का टेबल है, फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड
कॉस्ट वेरियंस, ठीक है। उसके नीचे दो आते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, बेस्ट वॉल्यूम, एक है बजट, ठीक है। बजट है तो ये बजट तो आएगा ही, करेक्ट, ओके। सो इट इज अ कंपेरिज, सॉरी, हाँ बजट तो ये तो आ गई बजट। सो बजट से आप चालू करोगे उसको, बजट माइनस ये, ओके। ये भी पता चल गया आपको, ये बजट से चालू हो रहा है तो आपको मालूम है उल्टा तो जाता नहीं, तो ये माइनस ये ही होगा, राइट। सो दिस इज बजट वेरियंस इज 4 माइनस 5, ओके। अब दूसरा आपका वॉल्यूम वेरियंस जो था, दैट वाज मटेरियल यूसेज वेरियंस जैसा है, उसमें एक्चुअल का कोई काम नहीं है, तो उसमें वैल्यू मेरे से ये कट जाता है, ये कट जाता है, ठीक है। और ये तो बाद का है, रिवाइज्ड वाला है, विल कम बिलो वॉल्यूम लेवल, ये भी कट जाता है, रह जाते हैं ये दोनों। तो यहाँ से आप उल्टा तो जा नहीं सकते, इट विल बी 1 माइनस 4 ओनली, ठीक है। इस तरह से यू कैन वर्क इट आउट वेरी इजीली, थोड़े लॉजिक्स हैं। तो फिर बाद में वॉल्यूम वेरियंस हैज 3 पार्ट, CA एफिशियंट, कैपेसिटी कैलेंडर एंड एफिशियंसी वेरियंस। एफिशियंसी सबसे लास्ट है टेबल में, लास्ट का फर्स्ट दे दो उसको, 1 माइनस 2, लास्ट का फर्स्ट, ठीक है। बाकी दोनों जो है अब आप यहीं से आप दे सकते हैं, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4 इन ऑर्डर, ठीक है। ये 2 माइनस 3 आपका सबसे पहले वाले का है कैपेसिटी वेरियंस, ठीक है। तो कैपेसिटी वेरियंस जो है इट इज 2 माइनस 3, जिसमें ये रहेगा स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज बजटेड आवर्स, ठीक है। ये जब दिन का डिफरेंस रहेगा ओनली देन इसका यूज आएगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी वेरियंस, क्योंकि दिन बढ़ गया तो कैपेसिटी में डिफरेंस हो गया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी वेरियंस। एक बात याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, इफ दिस इज नॉट देयर, ठीक है, इफ अगर ये नहीं है अगर, तो कैपेसिटी वेरियंस क्या रहेगा, 2 माइनस 4, क्योंकि RBH विल बिकम BH, राइट। जहां पे रिवाइज बजटेड आवर्स है ही नहीं, तो ये हो जाएगा SR इंटू BH हो जाएगा। सो ये 2 माइनस 3 विल ऑटोमेटिकली बिकम 2 माइनस 4, वो एक चीज इसमें बस ध्यान में रखना है, ओके। और कैलेंडर वेरियंस विल बी देयर ओनली व्हेन योर डेज डिफरेंस इज देयर, नहीं है तो कैलेंडर वेरियंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। 3 माइनस 4 जो है ये रहेगा ही नहीं इफ देर इज नो कैलेंडर डिफरेंस, ठीक है। एक ही चीज आपको याद रखना है, अगर 3 नहीं है तो यू विल हैव ओनली 4 स्लॉट्स, ये दो रहेंगे और ये दो रहेंगे, ओके। इन दैट केस योर एफिशिएंसी वेरियंस क्या रहेगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी देखना 2 माइनस 3 है, अब 3 तो नहीं है आपके पास, रिवाइज बजट आवर्स की जगह रिवाइज बजटेड आवर्स विल बी इक्वल टू बजटेड आवर्स, खत्म, ठीक है। समझ गया, ये सब इस तरह से आपके सारे वेरियंस बनते हैं। ये जो मैंने चीज बताया आपको, इसको आपने अगर ध्यान रख लिए, ओके, तो आप यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बस ये पांचों चीज हमको बनाना पड़ता है, जो कि काफी सिंपल है, 2-3 प्रॉब्लम में सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए रहते हैं, 1-2 ही हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा ये सब, ये अवेलेबल और वेरियंस, तो मैं अभी प्रॉब्लम में लेके जाता हूँ आपको। आपको यू वांट अ ब्रेक एंड देन यू वांट टू गो टू प्रॉब्लम्स, और सर यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, चलिए ना। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। हमारा टेबल मैं यहाँ रख लेता हूँ, वी कैन, चलिए ठीक है, यहाँ पे टेबल है हमारा, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सो यार सबसे पहली चीज क्विकली आप रीड करेंगे, अगर यहाँ पे कहीं आपका यू आर यू फाइंडिंग कैलेंडर डिफरेंस, डेज का डिफरेंस कहीं दिख रहा है क्या प्रॉब्लम में, देखो एक बार। यहाँ पे बोल रहा है बजटेड आवर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, एक महीने की बात की, नो सर डेज नहीं है, डेज का कहीं डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। तो ये आपको पहले देखने, देयर इज नो डेज डिफरेंस यू विल नॉट हैव कैलेंडर वेरियंस, ठीक है। तो अब हमारा जो टेबल है, ये टेबल विल बिकम लाइक दिस,
1245 1245, ठीक है, ये नहीं रहेगा, दिस विल नॉट बी देयर, ओके। यस इसीलिए देखिए ये रहेगा हमारा टेबल, ओके। देखिए एस आर एस एच ये था पहला, ठीक है, पहले चार में हमारा स्टैंडर्ड रेट था, ओके। तो ये आपको लिखने में भी इजी जाएगा, जस्ट स्टैंडर्ड रेट लिख लेना पहले, ओके। पहले चार में रहेगा इफ देर इज आरबीएच रिवाइज बिजनेस आवर्स, नहीं तो पहले तीन में रहेगा, ओके। एस आर लिख लिए, पहले वाले में एस एच रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स, यहाँ पे ए एच रहेगा एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे बजटेड आवर्स रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। ये टेबल भरना है हमको, बस ये प्रॉब्लम्स ये भर दिए तो आपका काम हो गया। सो लेट्स सी क्या क्या है। फर्स्ट इज बजटेड आवर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22, ठीक है। सो बजटेड आवर्स जब ये दे दिया है 180, ओके। नाउ ये दिया है स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर आवर, सो 1 घंटे में 50 यूनिट बनते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये बजटेड ओवरहेड्स पूरा ही दे दिया है, ठीक है। ये जो बजटेड ओवरहेड्स जो दिया है दिस इज नथिंग बट ये, ओके। ये बजटेड ओवर्स अगर हमको बजटेड आवर्स दे देता, स्टैंडर्ड आवर्स दे देता, यू कुड हैव मल्टीप्लाइड एंड डन इट। ये होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स इज नथिंग बट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, या सीधा ही दे दिया है 2700 यू कैन टेक डायरेक्टली। वैसे यहाँ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आपको सीधा दे दिया, अगर पूरा दे दिया है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ तो हमको सीधा ही दे दिया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, 2700 एंड 2800, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ही आपको रहेगा हर प्रॉब्लम में ना, एटलीस्ट टू थिंग्स तो आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे, ओके। उसको डाल देना टेबल में पहले, दिस इज बजटेड ओवरहेड और दिस इज एक्चुअल ओवरहेड, ये दोनों दे दिया है प्रॉब्लम में, हमने डाल लिया है। अब वी हैव टू कंप्यूट दिस एंड दिस, ठीक है। ये देखना टेबल में, बस लिख लेना आप ये सब पहले हेडिंग, ओके। अब ये दोनों के लिए हमको स्टैंडर्ड रेट चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड रेट का क्या करना है, ओके। अच्छा तो मैंने आपको बोला है राइट, स्टैंडर्ड एंड बजटेड आर द सेम थिंग, ठीक है वो एक ही चीज। बजट इज फॉर वन बजट पीरियड, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ बजटेड आवर्स दिया है, ओके, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है, अगर दिस अपॉन दिस किया मैंने, इफ आई डू 2700 अपॉन 180, मुझे बजटेड रेट पर यूनिट मिलेगा। इफ आई डू 2700 अपॉन 180, विल आई गेट बजटेड रेट पर यूनिट पर आवर, पर आवर बजटेड रेट पर आवर, बजटेड रेट पर आवर, ठीक है, ये मिल जाएगा। यस सर, और जो बजटेड पर आवर रेट है ना, योर बजटेड एंड स्टैंडर्ड रेट आर द सेम, है कि नहीं। 1 घंटे का तो सेम है, डिफरेंस इज कि ये पूरे बजट पीरियड का है और स्टैंडर्ड को हम बेस्ड ऑन एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी करने के लिए हम इसको उस ढंग से करते हैं, बट पर आवर रेट तो दोनों भी स्टैंडर्ड ही है ना, यू गेटिंग माई पॉइंट। सो विच इज वाई आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स विल गिव यू बजटेड रेट पर यूनिट भी वही है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट भी वही है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो दिस इज कितना है, 2700 अपॉन 180, 15। 15, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जगह आपने 15 डाल दी, ओके। जहाँ जहाँ आपको स्टैंडर्ड रेट की जरूरत है उसको डाल दीजिए पहले, ओके। यहाँ पे भी डाले होते हैं लेकिन हमको डायरेक्ट मिल गया तो जरूरत नहीं पड़ा, ओके। अब नाउ वी वांट, ओके, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, फॉर एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल आवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल आवर्स तो पहले ही दे दिया है 175, ओके। तो 175 यहाँ डाल दीजिए, तो व्हाट इज 15 इंटू 175, 2700, 15 into 175, 2625। 2625, ठीक है। तो ये हो गया
अपना ये सब मिल गया। अब हमको चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था ना, एक प्रॉब्लम से हम देख लेंगे हाउ टू गेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे, एक्चुअली वी वांट व्हाट, स्टैंडर्ड आवर्स हमको चाहिए, स्टैंडर्ड रेट मिल गया, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे व्हाट यू हैव बीन गिवन, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या आपको निकालना है। ओके, एक्चुअली व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो बनाए हैं आपने, इसके लिए स्टैंडर्ड में कितने घंटे लगे होते, इसके लिए स्टैंडर्ड में कितने घंटे लगे होते, बस उतना ही हमको निकालना। फॉर दैट आपको ये दिया है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर आवर इज 50 यूनिट्स। ठीक है, मतलब एक घंटे में 50 यूनिट बन रहे हैं हमारे। ओके, तो 9,200 यूनिट्स कितने घंटे में बनने चाहिए, इससे हमको स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे, राइट। यस सर, तो इसी तरह से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे जिससे आप निकाल पाओगे, ऐसे छोटे से इन्फॉर्मेशन रहेंगे। ओके, आपका तो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत बड़े क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। ओके, सो दिस विल बी 9,200 इंटू 1/50। सो 9,200/50 कितना आता है, 184 182। ठीक है, ये 184 यहाँ डाल दिया, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। बस इसको 15 इंटू 174 गिव्स यू 2,760। ठीक है, अब उसको देखे भी नहीं हम करेंगे, इसका माइनस में बोलते जाऊंगा, आप करते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट, सबसे पहला क्या होता है, सबसे ऊपर बोलो, सबसे ऊपर क्या होता है, स्टैंडर्ड सबसे ऊपर क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, यस फिक्स्ड सर, ओवरहेड वेरिएंस इज द टॉप मोस्ट थिंग, उसके बाद में नीचे इज बेस्ट वॉल्यूम, बजट एंड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, फिर वॉल्यूम के नीचे यू हैव कैपेसिटी, सीएसए एफिशिएंट। ठीक है, ये बताना है, मैं पूछूंगा जवाब। सबसे ऊपर इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, नेक्स्ट इज बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस इसके नीचे। ठीक है, बेस्ट वॉल्यूम। तो चलिए लेट्स गो बैक, तो सबसे ऊपर का क्या माइनस क्या बताया था मैंने आपको, 1-4। 1-4, अगर वो थर्ड वाला रहता सो इट वुड हैव बीन 1-5। ठीक है, फर्स्ट यस सर, माइनस लास्ट, तो ये कितना हो गया, दिस माइनस दिस 40 एडवर्स। 40 एडवर्स। ठीक है चलो, एंड देन नेक्स्ट क्या था, बजट वेरिएंस कैसे यस निकालेंगे, सर, बजट वेरिएंस इज 1-2। नो 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 नो, सॉरी, बजट वेरिएंस को बजट, बजट से चालू करना है आपको, आया आया, सॉरी सर, इससे हाँ तो चालू थ्री करना। माइनस फोर हाँ कितना हो गया, ठीक सर, 100 एडवर्स। है, सो -40 और -100। ठीक है, ठीक है, तो 40 एडवर्स, ये है 100 एडवर्स। ठीक है, और चलते हैं ऊपर। अच्छा, व्हाट इज योर वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरियस इज 1-2 और यूसेज माइनस यूसेज थ्री यूसेज जैसा है। वॉल्यूम के लिए क्या किए थे वन हमने, सारे एक्चुअल को काट लिए थे पहले, क्योंकि इट इज लाइक यूसेज वेरिएंस, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल ओ आवर्स वन पे, माइनस थ्री ये देन काट दीजिए, ये काट दीजिए। यस सर, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली यू गेट 1-3। यस सर, नाउ 60 फेवरेबल। कितना आ गया, -40 की नो प्लस सर, 60 फेवरेबल। 60 फेवरेबल। ठीक है, ये होगा 60 फेवरेबल, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है 60 फेवरेबल। चलिए, देन आपका है, ओके, देन वॉल्यूम के तीन कौन से पार्ट्स हैं, व्हाट आर द थ्री पार्ट। कैपेसिटी एंड हाँ, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी।
एक सेम ऑर्डर में बोलिए कभी भी, ये तो गलत हो जाएगा कुछ। कैपेसिटी कैलेंडर इफिशिएंसी। हाँ, कैपेसिटी कैलेंडर एफिशिएंसी, और यहाँ पे कैलेंडर नहीं है। तो अभी यहाँ पे कौन कौन से हैं? कैपेसिटी और इफिशिएंसी। एफिशिएंसी और एफिशिएंसी। लास्ट का फर्स्ट था हमने बोले थे, लास्ट का फर्स्ट। यस लास्ट का फर्स्ट। सो एफिशिएंसी इज 1-2, लास्ट का फर्स्ट है ना 1-2। ये तीनों भी ऑर्डर में है, 1-2 आपका, ये 2-3, 3-4, ऐसे हो गए। ठीक है, ये मतलब कैलेंडर तो है नहीं आपके इसमें, दिस विल बी 1-3 एंड 2-3, ये ऑर्डर में है तीनों। ठीक है, बस लास्ट का फर्स्ट ले लीजिए एंड देन यू कैन टेक द अदर टू इन ऑर्डर। ये कितना हो गया? 135 फेवरेबल। 135 फेवरेबल। अच्छा, और फिर पहले में जाएंगे। पहले में पहला कौन सा है? कैपेसिटी। सो कैपेसिटी विल बी व्हाट? ये माइनस ये, ठीक है, टू ओके सर, मतलब 2-3। माइनस थ्री इसके ऑर्डर में जाना है। एक से आपने दो घटाए तो नेक्स्ट आप ऑर्डर में ही जाएंगे, दो से आप तीन लेंगे। ठीक है, ऑर्डर में ही जाना है। ये कितना हो गया? 265। एडवर्ड 75, और इसके पहला वाला कितना था? 135 फेवरेबल। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना, यही आपको करना है एग्जाम में, यही प्रॉब्लम्स आएंगे अच्छे अच्छे मार्क के। ये टेबल भरना आ गया तो दैट्स इट, यू आर डन विथ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो चलिए एक और देखेंगे। सर एक चीज हमको नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन में ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ना, ये एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर में डायरेक्ट 2800 कैसे लिख दिया? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है, ये है ना, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही है, वही हो गया ना। वही हो गया। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो ये है, एक्चुअल पूरा दे हाँ दिया है तो वही, आप सीधा क्योंकि भर सकते हो उसको। हाँ, हम वहाँ पे लिखा नहीं है ना आंसर, ये सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड रेट और ये बजटेड आवर, वो हम इंटू करके किए थे, 15 × 120, 2700 वो अच्छा, आ मतलब गया था, जो एक्चुअल में जो दिया है वही लिख देना, वही भरना है आपको। कल जो वो जो एक्चुअल ऊपर दिया है वो कल ही बजटेड भर थे। ठीक दीजिए। हाँ, फिर ही चालू करना टेबल भरना। है चलिए ठीक है, ये हो गया। देन सेकेंड ये प्रॉब्लम देखते हैं। इन डिपार्टमेंट ए फॉलोइंग डेटा इज सबमिटेड फॉर द वीक एंडेड 31 अक्टूबर। वीक दिया है, ओके, और स्टैंडर्ड आउटपुट 40 आवर्स पर वीक। फॉर 40 आवर्स का स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1400। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया है आपको 1400। ठीक है, जब ये टोटल दे दिया है, जैसे हमने बोले थे स्टैंडर्ड और बजटेड एक ही चीज है, जब टोटल फिगर दिया है दैट मींस दे हैव गिवन यू बजटेड फिगर। ठीक है, तो ये है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपका। ठीक है, और बस एक्चुअल आउटपुट इज 1200। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया है 1500, इसको भी भर देंगे। एक्चुअल आवर्स वर्क इज 32 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको दिया है क्या ये डेज का? कुछ डेज के बारे में दिया है क्या कि ये यहाँ पे 15 दिन काम किए, वहाँ पे 20 दिन काम किए, ऐसा कुछ दिया है कहीं? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो अगेन योर रिवाइज बिजनेस आवर्स को आप काट दोगे। ठीक है, उल्टा यहाँ पे आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे भी ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, बस अगेन वी विल हैव द सेम 4। ठीक है, सो चलिए ये देखेंगे। फर्स्ट ये दोनों भर लेते हैं जो है ऑलरेडी। ओके, सो एक्चुअल इज 1500। ठीक है, उसको यहाँ डाल दीजिए। एंड ये आपका बजटेड है, ये वाला जो दिया है ना 1400। टोटल में जो दिया है ना, टोटल आपका स्टैंडर्ड एंड बजटेड विल बी सेम, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब्सॉर्ब्ड अमाउंट विल बी डिफरेंट, इसीलिए जब ऐसा टोटल में दे दिया होगा ना आप इसको, यू कैन यूज इट फॉर बजटेड। ठीक है, ये इसीलिए कि स्टैंडर्ड एंड बजटेड आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, ओनली थिंग इज जो स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अब्सॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। ठीक है,
चलिए, सो वैसे क्लियरली देना चाहिए, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं, क्लियर थोड़ा वर्डिंग्स वगैरह और क्लियर रहना चाहिए प्रॉब्लम में. ओके, तो आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे द वर्डिंग्स विल बी सुपीरियर. ओके, ये हो गया. चलो अब देखते हैं यहाँ क्या करना है हमको. ठीक है, ये दोनों हमने डाल दिए. अब नेक्स्ट जो है हमको स्टैंडर्ड रेट हम ढूंढते हैं पहले, राइट, बिकॉज एवरीवेयर वी नीड स्टैंडर्ड रेट, है ना. यहाँ के लिए भी चाहिए स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट वी वांट फॉर हियर आल्सो, हियर आल्सो. फर्स्ट लेट्स फाइंड द स्टैंडर्ड रेट. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है, ठीक है, ओके, 40 आवर्स के लिए में 1400 यूनिट्स बनते हैं और रेट है 1400, करेक्ट. रेट इज ऑल्सो 1400. सो 1400 अपन 40 आवर्स करूंगा तो पर आवर रेट मिल जाएगा स्टैंडर्ड का 35 35, करेक्ट. वो 35 है आपका स्टैंडर्ड रेट, वही जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ डाल लीजिए स्टैंडर्ड रेट. ठीक है, अब चाहिए हमको स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट है. तो इसको कैसे निकालेंगे, 40 आवर्स के लिए 1400 यूनिट्स है, 40 आवर्स में 1400 यूनिट्स बनता है, तो 1200 यूनिट्स कितने आवर्स में बनना चाहिए, दैट इज योर स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट. सर 1400 बाय 40 इनटू 1200. नहीं, 1200 इंटू 40 अपॉन 1400. 1200 फोर्टी आवर्स में, 40 आवर्स में कितना बन रहा है, 1400. 1400 ठीक है, तो 1400 यूनिट 1400 1200 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे में बनना चाहिए. सर 34.28 आवर्स. 1200 इंटू 40 अपॉन 1400, 34.28 ये आवर्स है आपके. ठीक है, और कितना हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड रेट वॉज 35, करेक्ट. ये आवर्स है, ये आपके आवर्स है, ये आपका रेट है. ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू दिस इंटू दिस 1200. ठीक है, तो ये पहले टेबल के लिए ये फिगर रहना चाहिए. ठीक है, 1200, ये उन्होंने गलत किया, जो लिखा है ये गलत है. ठीक है, आंसर इज करेक्ट, 1200. ठीक है, दिस इज हाउ यू वहां गॉट. पे क्या लिख लें सर? वो कुछ तो भी लिखा है, ओके वो कुछ गलत फिगर्स डाल दिए ना, इंटू 0 0 वगैरह. ठीक है, तो मैंने जो करके बताया वैसे आपको ये करना. ठीक है, तो गेटिंग स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, और सेकेंड तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स तो ऑलरेडी सीधा सीधा है, 32 इंटू 35, बस कर दीजिए, हो गया टेबल तैयार. नाउ टेल मी व्हाट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. क्या माइनस किया, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस क्या माइनस किया. 1 - 2 फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस जो है सबसे फर्स्ट माइनस लास्ट, सॉरी सर -300, यानी 300 एडवर्स. अब उसके नीचे क्या क्या आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस स्प्लिट इनटू व्हाट टू थिंग्स. बेस्ट वॉल्यूम यानी बजट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस. ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसके नीचे है दिस बजट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग वेरिएंस. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म इज बेस्ट. ठीक है, BEST, बजट बजट एक्सपेंडिचर एंड स्पेंडिंग वेरिएंस, शॉर्ट है बेस्ट, और ये है वॉल्यूम, बेस्ट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये दोनों निकालेंगे पहले. बजट में
बजट चालू ही होगा बजट से. ओके सो बजट विल स्टार्ट विद बजट. कितने हो गए? हाँ से स्टार्ट हो गए. बजट इज दिस, ठीक है, माइनस एक्चुअल. ठीक है, पीछे नहीं जाता कभी. दिस विल बी दिस माइनस दिस. ठीक है, और वॉल्यूम वेरिएंस जो है आपका, उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड्स रहेंगे. ठीक है, एक्चुअल का कोई काम नहीं है, इसीलिए ये भी कट जाता है, ये कट जाता है, ये भी कट जाता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी 1 माइनस 3 वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम इज सब डिवाइडेड इनटू व्हाट? सीए एफिशिएंट, कैपेसिटी कैलेंडर एफिशिएंसी वेरिएंस. कैपेसिटी इज 1 माइनस 2, नहीं सुमित जी, मैंने बोला ना लास्ट का फर्स्ट, सॉरी लास्ट का फर्स्ट. एफिशिएंसी इज 1 माइनस 2. ठीक है, और कैलेंडर तो है ही नहीं इसमें. ओके सो सेकंड वाला, इसके बाद 1 से चालू किए थे ना, अब 2 से चालू करेंगे सीधा सीधा. इट विल बी नेक्स्ट टू इच अदर होते रहेगा. ठीक है, दिस इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस इज 2 माइनस 3. बस कर लीजिए, इसका आंसर आपका मिल जाएगा. ठीक है, अब एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको जिसमें यू हैव कैलेंडर वेरिएंस. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व. सारे प्रॉब्लम ऐसे ही है. गो टू द प्रीवियस वीडियोस जो मैंने लोड किया, उसका कुछ प्रॉब्लम्स मैंने किया हूँ एक्स्ट्रा. ठीक है, यू कैन जस्ट सी दैट, और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें में से. ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम्स है, सब एक टाइप के ही है इसमें. ठीक है, तो ऐसी टाइप के आपको मिलेंगे इसमें. इसमें देखिए व्हाट इज देयर, इलस्ट्रेशन 12 आई एम जस्ट शोइंग यू, ताकि आपको मैं आई कैन शो यू दैट कैलेंडर वेरिएंस. हियर सी नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे दिया है, बजट में 20 है, एक्चुअल में 22. दिस पॉइंट इज दैट यू हैव कैलेंडर वेरिएंस. ठीक है, चलिए इसमें ऑल ऑल 5 विल बी देयर. नाउ आउटपुट पर मैन आवर बजट में 1 यूनिट्स पर मैन आवर, एक्चुअल में 9.9 यूनिट्स पर मैन आवर. ओके अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट दे दिया उन्होंने बजट एंड एक्चुअल. सो लास्ट टू में 160 और 168 भर देंगे. ठीक है, 1,60,000 एंड 1,68,000 लास्ट टू में भर देंगे ये दोनों में. ठीक है, बजटेड एंड एक्चुअली है बजटेड. ओके तो चलिए ये हो गया. देन मैन आवर्स पर डे, एक दिन में 8,000 घंटे काम होते हैं यहाँ. हियर देर आर 8,400 आवर्स. कैलकुलेट ओवरहेड वेरियंसेस. ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? वी नीड स्टैंडर्ड रेट, है ना. स्टैंडर्ड रेट हमको चाहिए. यहाँ पे हमको 4 जगह चाहिए स्टैंडर्ड रेट, बट ये तो डायरेक्ट मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर दीज 3 वी नीड स्टैंडर्ड रेट, फर्स्ट थिंग, है ना. सो वी नीड हियर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड. तो एक स्टैंडर्ड रेट 3 जगह हम यूज कर सकते हैं. लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट स्टैंडर्ड रेट. ठीक है, स्टैंडर्ड रेट क्या के लिए ओवरहेड कॉस्ट कॉस्ट यूज करेंगे. दिस इज द मॉनिटरी फिगर. ठीक है, और पर आवर जो है, आवर्स कितने हैं? 8,000 पर डे है आवर्स. ओके, एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज 20. सो 8,000 इंटू 20 करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर 20 डेज, है ना. इफ यू डू सी हियर, हियर यू आर गेटिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज. ओके, हियर यू आर गेटिंग एक दिन में कितना घंटे काम होता है. If I do 8,000 into 20, I will get 20 days में कितना hours काम होते हैं? Correct? So 8,000 into 20 कितना है? वन लाख 60,000 सर 1,60,000. Okay. So our overhead cost is how much? 60,000 1,60,000 upon 1,60,000 hours कितने मिलते हैं? 1. वन ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हमको मिल गया 1. तो यहाँ पे तीनों में
भर देंगे हम, जो जो मिल रहा है ना वो भरते चले जाइए यहाँ पे, ठीक है, पूरा करके एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं, ये टेबल को व्हाट एवर यू गेट जस्ट कीप ऑन फिलिंग इट, ये वन भर देंगे, ये वन भर देंगे, ये वन भर देंगे, ओके, ये दोनों भर देंगे, डायरेक्ट दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट जो है हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, ये देखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल क्वांटिटी टोटल निकालेंगे, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई दिस एक्चुअल आवर्स बाय ये डेज, तो 8400 इंटू 22 करेंगे तो एक्चुअल के टोटल आवर्स मिल जाएंगे पहले हमको, राइट, यस सर, 168 8400 इंटू कितना था, 8400 इंटू 184,800 ट्वेंटी 84 ट्वेंटी टू 184,800, ओके। ये क्या है, क्या क्या निकाले हमने, एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स निकाले। अब हमको व्हाट वी हैव बीन गिवन, एक पीस एक्चुअल में कितने में बनता है, 1 आवर में 0.9 यूनिट्स बनता है, ठीक है, ये आउटपुट पर मैन आवर दिया है, 1 आवर पर मैन आवर मीन्स पर आवर, 1 आवर में एक्चुअल में 0.9 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, ये दिया है हमको, तो वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। सो 1 आवर में 0.9 यूनिट्स बनते हैं, ये आवर है, ये यूनिट्स, ठीक है, सो 184,800 आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे, दिस विल बी 184,800 इंटू 0.9, ठीक है, तो इतने यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, इतने यूनिट्स बनेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने देखे यूनिट्स जो है 0.9 बना रहा है 1400 में, ठीक है, टोटल यस यूनिट्स इतने बना रहा है, ठीक है, एक्चुअल में उसने यूनिट्स इतने बनाए हैं एक्चुअल में, तो अब ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड अगर होता, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने कितने आवर्स में बनाया होता है, इसलिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड में 1 आवर है, हमने देखे थे 1 आवर पर यूनिट है, करेक्ट, यस सर, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना, 166 320 आवर्स में बनाया होता है इसमें, करेक्ट, यस सर, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, समझ में आया कैसे बनाए, पहले हमने क्या यस ले सर, लिए, पहले एक्चुअल आवर्स हमने निकाल ली, ओके, दिस वाज आवर एक्चुअल आवर्स, अब बोले 1 आवर में दे आर मेकिंग इन एक्चुअल 0.9 यूनिट्स, इतने में कितने यूनिट्स बना रहे, तो यूनिट्स निकाल लिए हमने, और यूनिट्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है, तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1 रुपी, सॉरी, हमको स्टैंडर्ड रेट भी है, स्टैंडर्ड आवर्स भी है हमारे पास, ठीक है, दोनों भी 1 है, ठीक है, सो ये 1 1 आवर से मल्टीप्लाई किए हमको पता चल गया कि एक्चुअल क्वांटिटी के लिए इतने आवर्स में बनाए होते उन्होंने, स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए होते तो दे वुड हैव टेकन दिस मच आवर्स, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, इसीलिए 166,300 जो है हमने, हमको यहाँ भरना है, ठीक है, ये 166,300, ओके, एंड एक्चुअल आवर्स अभी अभी आपने बताए थे 184,800, सो वो यहाँ पे भर दिए हमने, ठीक है, सो रेट इज 1, करेक्ट, रेट पे दोनों में हमने देखे थे, दिस इज 1,60,000 अपॉन 1,60,000, 1 1 रुपी, सो रेट वाज 1 रुपी, तो ये कर दिए, तो ये दोनों आ गए हमारे, करेक्ट, अब बस मुझे ये तो हम पहले भी बनाते थे, ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन दिस प्रॉब्लम इज हाउ टू कैलकुलेट रिवाइज्ड बिजनेस आवर्स, ठीक है, ये बहुत, ये जो है दिस इज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज बिजनेस आवर्स, ठीक है, तो ये रिवाइज बिजनेस आवर्स और ये बिजनेस आवर्स में क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, तो जितना आपका जो दिन का डिफरेंस का रेशियो है, ज्यादा दिन जितना लग रहा है आपको, ठीक है, वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो रेशियो मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो कितना रेशियो है, लेट्स सी, 2 days. 2 days, 2 days का डिफरेंस है, मतलब 22/20। ठीक है, बजट 20 है, 22 का हमको बनाना है, मतलब into 22/20 हम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको into 22/20 कीजिए, उसी रेशियो में ये बनेगा। मिस्टर आगे आ गया 176 बस। 1.1 डिवाइड 1.1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 1,76,000. 176,000 बस, वही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये टेबल बन गया हमारा। अब ये टेबल में अगेन फिर से देखेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट क्या होता है, बट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सबसे पहला वाला है फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, सेकेंड वाला योर बेस्ट वॉल्यूम, यानी बजट वेरिएंस इज दिस माइनस दिस। ठीक है, और वॉल्यूम वेरिएंस जो है आपका, वॉल्यूम में इट विल बी दिस माइनस दिस, स्टैंडर्ड ही यूज होंगे उसके लिए। ठीक है, सॉरी ये नहीं, वन वन माइनस थ्री 1-4 यूज होगा। ओके, देन वन वॉल्यूम माइनस वेरियंस के जो तीन पार्ट्स हैं, ओके, ऑल थ्री वी विल गेट हियर। क्या है, सी एस सी एफिशिएंट, दैट इज कैपेसिटी कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी। कैलेंडर वॉल्यूम लास्ट वाला फर्स्ट ले लीजिए। एफिशिएंट लास्ट वाला कैपेसिटी. ठीक है, ओके वहीं सर. से चालू करना है आपको, लास्ट वाला फर्स्ट आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा योर कैपेसिटी वेरियंस इज दिस माइनस दिस। ठीक है, अब कैपेसिटी के बाद फिर आप पहले में चले जाइए आपका, सॉरी नॉट कैपेसिटी, ये एफिशिएंसी वेरिएंस इज दिस माइनस दिस। फिर कौन से दो होते हैं उसके पहले, एफिशिएंसी के पहले कैपेसिटी एंड कैलेंडर। सो कैलेंडर कैपेसिटी इसके बाद में ले लीजिए दिस माइनस दिस, और कैलेंडर इसके बाद में ले लीजिए दिस माइनस दिस, खत्म। अंडरस्टूड, बस एकदम साइड बाय साइड लेना है, क्लियर हुआ? बस यही प्रॉब्लम्स आपको है पूरे इसमें इसमें। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस. बस यही है बेसिकली, आपको जो प्रॉब्लम्स भी जो आएंगे इट विल बी बेस्ड ऑन आवर्स। एक पार्ट, एक और टाइप होता है विच इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। ठीक है, तो टेबल सेम बनता है उसमें, एक आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से और कुछ प्रॉब्लम्स यू विल गेट इन द वीडियोस आई हैव लोडेड। ठीक है, बाकी सब ऑल आर सिमिलर, सो आप लोग कीजिए, कुछ डाउट आए तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, बस इतना ही जो बताया मैंने, ये फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग आप कर लोगे आराम से। 1 मिनट, आई एम जस्ट शोइंग यू। एक और टाइप होता है इसका, वेर यहाँ पे हम वी आर यूजिंग आवर्स, करेक्ट, स्टैंडर्ड रेट इनटू सेवन स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, जो सेकेंड में स्टैंडर्ड रेट तो रहता है, स्टैंडर्ड आवर्स के जगह यूनिट यूज होता, पर यूनिट यूनिट वैल्यू यूज होता है, बस वही। इसमें भी सेम वो चीज बनती है। ठीक है, उसका एक ही प्रॉब्लम है तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, मैं आपको एक कुछ चीज़ बता दूंगा उसके बारे में। हाँ, ये देखिए, ये है, ये प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जो दे हैव टोल्ड यू, इसमें आवर्स से भी बना है, इससे भी बना है। तो आपको आवर्स है तो आवर्स से बना देना है आपको, लेट्स दोनों नहीं करना है आपको, दिस इज आवर आवर्स बेसिस, ये नीचे जो बताया ये यूनिट बेसिस है। ओके, यूनिट बेसिस में क्या है, बस मैं एक एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, ये एक ही इलस्ट्रेशन है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी सारे फिगर्स इसमें सेम आएंगे आपको। अच्छा, एक बस याद रखना कि यूनिट बेसिस में ना स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी सेकेंड आता है, इसमें जो फर्स्ट आता है ना स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ये इसमें एक्चुअल क्वांटिटी सेकेंड आता है, और ये वाला जो है ये इसमें सेकेंड आता है, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज इसमें मैच होंगे, सेम आएंगे सब। ठीक है, बस क्या फर्क करना पड़ता है आपको, यू हैव टू यूज क्वांटिटी, आवर्स के जगह क्वांटिटी आपको यूज करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, रेट यहाँ पे रहेगा आपका यूनिट रेट, स्टैंडर्ड रेट विल बी यूनिट रेट रहेगा, यूनिट बेसिस में आप निकाल रहे हो। ओके, ये एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सारे फिगर्स आपके सेम आएंगे। एक चीज जो मैंने बोला कि सेकेंड वाला इसमें फर्स्ट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला सेकेंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वेरिएंस आपके जो
माइनस प्लस बराबर है उसके लिए, बाकी सब इट विल बी सेम। सो दिस इज ओनली वन प्रॉब्लम, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट, ये जो इसके जो आवर्स के सारे प्रॉब्लम्स कर लो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गो थ्रू दैट। आखिरी में ये प्रॉब्लम एक बार देख लेना जैसे मैंने बताया है, ओके कि कैसे इसको क्वांटिटी वाइज कैसे करना है करके, देख के आप सेम सेम डेटा यूज होता है, ठीक है? तो आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन गेट बैक टू मी, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा कैसे, इस स्टेज में नहीं बताना है तो अभी, ठीक है? अभी आप फोकस ऑन द आवर्स बेसिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके? सेम चीज है, बस आवर्स के जगह क्वांटिटी यूज, दैट्स, ठीक है? एक ही प्रॉब्लम है आपके पास इसका, फाइन? तो ये भी हो गया, यस सर। तो ये देख लेना आप। देन एक चीज बस मुझे बताना है आपको, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है? वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है वो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ दो ही एग्जांपल है आपके, ठीक है? सो आई जस्ट टेल यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है, दिस इज योर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ओके? सो मेन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वैसे ही है पूरा, हाँ, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है? अब वेरिएबल ओवरहेड में एक्चुअली होता है क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वी हैव सीन दैट वी हैव गॉट वेरिएबल वी पर यूनिट रहता है हमारे पास, करेक्ट? ठीक है, वी पर यूनिट रहता है। दो ही किस्म से वेरिएंस आ सकते हैं कि और स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आर डिफरेंट, सेकेंड कैन बी योर एफिशियंसी इज डिफरेंट, बस और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ओके? तो इसके दो टाइप्स होते हैं, वेर यू वन इज एफिशियंसी वेरियंस, वन इज जिसको बोलते हैं प्राइस वेरियंस बोलते हैं, ओके? एक्सपेंडिचर बजट और प्राइस वेरियंस, ठीक है? ये नाम बस याद रखना है आपको, ठीक है? एफिशियंसी वेरियंस एंड प्राइस वेरियंस, बस खत्म हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, ओके? तो इसको भी हम वैसी टेबल में बनाएंगे, ठीक है? मैं बताता हूँ अब, नेक्स्ट जो है दिस आई विल टेल यू नाउ, ठीक है? वेरिएबल सेल्स वेरियंस जो है हम करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है? मंडे यू आर गोइंग टू हैव शिवम सर्स क्लास, ट्यूसडे को हम करेंगे सेल्स वेरियंस। देखते हैं कि दिस सेल्स वेरियंस भी सिंपल है, ये पूरा मटेरियल वेरियंस जैसे ही फॉलो करता है, पूरा मटेरियल वेरियंसेस जो हमने देखे हैं ना, सेम टेबल इट विल फॉलो सेल्स वेरियंस, ठीक है? सेल्स एंड प्रॉफिट बचा है, देखते हैं अब, मे बी हो भी जाएगा हमारा, हो जाएगा ट्यूसडे को, इफ नॉट देन एक और दिन कोई देख लेंगे, ओके? विल सी, आई जस्ट चेक विद शिवम सर, ठीक है? और मैं कोई एक डेट ले लूंगा उनसे, या तो फिर हम संडे को, टाइम है हमारे पास, संडे को हम कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट, और बीच में कभी टाइम ले लूंगा उनसे, ठीक है? तो नेक्स्ट इज ट्यूजडे, उसके बाद का टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना, तो हम देख के लेंगे टाइम, ओके? मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे को भी हो जाएगा, पर हो सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी, ठीक है? ठीक है सर। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड नाइसली कि कैसे उसको निकालना है, बस वो फॉलो कीजिए, आपका कभी गलत नहीं हो। आफ्टर दिस सी द अदर टू, 11 और 12 का लेक्चर्स आप देखिए। 11 आई विल लोड नाउ, लोड कर दिया है मैंने, शायद मैंने ईमेल आईडीज नहीं डाला होगा, ठीक है? तो आप, अच्छा ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का बस मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम, इसके है भी बहुत कम प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? यहाँ पे 16, ठीक है? ये प्रॉब्लम में पहली बार वेरिएबल ओवरहेड इज कमिंग, बाकी यू हैव गॉट फिक्स्ड ओवरहेड आल्सो, वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ये मैं आई एम टेलिंग यू ओनली वेरिएबल ओवरहेड पार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए वेरिएबल ओवरहेड दिया है, ठीक है? ईजिएस्ट ऑफ ऑल इज वेरिएबल ओवरहेड्स, ओके? वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड इज 12,000, एक्चुअल भी 12,000 है, ओके? लेकिन आपका एक्चुअल इज फॉर 3,800 आवर्स, ठीक है? एक्चुअल 3,800 आवर्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो जितना एक्चुअल यूनिट, ये यूनिट्स है, ठीक है? ये यूनिट यहाँ ऊपर लिख दिया है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था यूनिट्स, ठीक है? तो ये यूनिट्स है दोनों, ठीक है? दिस टू आर यूनिट्स। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स जो है
इन द एंड आपका एक्चुअल चार्ज कितना होता है, एक्चुअल यूनिट्स के ऊपर चार्ज हो जाता है, करेक्ट? एक्चुअल यूनिट्स का ही तो हम पे करते हैं, राइट? ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड यहाँ वेरियंस के लिए 3800 यूनिट्स के लिए कितना है, वो हमको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है इसका पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड जो है ये 12,000, ठीक है, और यूनिट्स कितने हैं 4,000। ठीक है, तो पर यूनिट, पर आवर नहीं, पर यूनिट कितना हो गया वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपीज। ठीक है, सो 3 रुपीज है आपका पर यूनिट, और तो टोटल जो है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स है हमारा 12,000। ठीक है, इस प्रॉब्लम में कुछ इतना ही डेटा है आपके पास कि 3,800 जो है ये सब फिक्स्ड का है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टैंडर्ड जो है, अब स्टैंडर्ड निकालोगे फॉर एक्चुअल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल है हमारा 3,800 है हमारा एक्चुअल, ओके, और एक्चुअल एट स्टैंडर्ड रेट, वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी निकाल दोगे आप, 3 × 3800 ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। 11,400 सर। 11,400, हाँ जी सर, और 3,000 11,400 आपका स्टैंडर्ड बन गया यहाँ पे, ओके, स्टैंडर्ड। 11,400 इज योर स्टैंडर्ड, ओके, यहाँ पे आपका 3,800 × 3 का किया हमने, ओके, ये इस प्रॉब्लम में टेबल की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा जहाँ टेबल है, टेबल में तीन ही चीजें आती है, वेरिएबल और एड वेरियंस, ओके, सो ये 3,800 × 3, 12,000/4,000 कर दिया आपको, तो यू गॉट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आवर्स है ये, यूनिट्स है, लेकिन स्टैंडर्ड में आपने प्राइस किए। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल देखिए यहाँ पे 12,000 दिया है कॉस्ट, ठीक है, ये एक्चुअल है, बस इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस। ठीक है, ये देखिए 3 × 3800 − 12,000, ठीक है, ये आ गया आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, बस इसमें और कुछ था नहीं, इतना ही आप निकाल सकते हो, ओके। अच्छा, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में वी कैन गेट उसका जो एफिशिएंसी वेरिएंस है और प्राइस वेरिएंस, ये दोनों हम निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में चलो पढ़ लेते हैं पहले। आउटपुट्स अगस्त के लिए है डेटा, ओके, आउटपुट है इतना, ठीक है, देन आवर्स दिए हैं हमको इतने, ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे हैव गिवन, इसका हमको काम नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स है 60, ठीक है, सो वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर कितना हो गया 60/30, दैट इज 2, करेक्ट, 60/30 2 रुपीज है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, ओके। अब टू, अब यहाँ पे क्या करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे हमको दे हैव गिवन अस एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है, इतने यूनिट्स बनने चाहिए थे, ये हमको दिया हुआ है उन्होंने, ओके, तो यहाँ पे तो एक टेबल में बताता हूँ आपको फॉर वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, ऐसा टेबल बनता है, तीन ही है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में जो पहले दो हैं वो वैसे ही है यहाँ पे, ओके, SRSH × SRAH सेम है, फिक्स्ड ओवरहेड जैसे ही, लास्ट वाला जो है ना एक्चुअल और फिक्स्ड ओवरहेड्स वो है, बजट के दोनों भी नहीं है, बस इतना ही चीज आपको डालना पड़ता है वेरिएबल ओवरहेड के इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट हमने देखा है यहाँ पे, आई थिंक दे गेव अस ये, राइट, एक्चुअल हमारे पास था
6800, ठीक है 68,000 ये एक्चुअल था, उसको भर दीजिए। ठीक है, अब जो है उनको ये करना है 32,500 यूनिट्स है हमारे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड रेट में एक यूनिट के लिए, स्टैंडर्ड आवर्स हमको इसमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, सो 30 आवर्स में, 30,000 आवर्स में 30,000 यूनिट्स बनता है। ठीक है, 30,000 में 30,000 यूनिट्स बनता है, 1 घंटे में 1 यूनिट बन रहा है। ओके, 1 घंटे में एक यस यूनिट बन रहा है, तो 32,500 यूनिट्स कितने घंटे में बनेंगे? 32,500 32,500 में बनेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 32,500, ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल इज 33,000, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नीचे नीचे वाला ये टेबल में विल बी सेम। ठीक है, 33,000, 32,500 आवर सेम है, आप एक्चुअली यहाँ से भी आप निकाल सकते हो यार। ठीक है, वेरिएबल का डेटा निकाल के आप निकाल लेना। तो ये दोनों मिल गया हमको 60, 65। ओके, ये एक्चुअल मिल गया। ठीक है, तो बस इसके वेरिएंसेस जो है वो आप निकाल लेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, फर्स्ट माइनस लास्ट, वो हो जाएगा आपका वेरिएबल ओवर हेड कॉस्ट वेरियंस। ठीक है, ये लास्ट में देखिए 3,000 एडवर्स है, 1 माइनस 3। ठीक है, इसको आप पहले निकाल लेना, और उसके बाद है आपका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड बजट वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी और बजट वेरिएंस को यू कॉल इट प्राइस वेरिएंस आल्सो। यस, ठीक है, सो एफिशिएंसी और प्राइस वेरिएंस, तो इसको आप सीधा सीधा है 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3, ये कभी चेंज नहीं होगा, रहेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, बस ये टेबल आपने भर दिए तो आपका काम हो गया। फर्स्ट वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज 1 माइनस 3। ठीक है, बाकी दोनों जो है आपके, ओके एक तो है बजट बजट वेरिएंस और एक है प्राइस वेरिएंस। ठीक है, सॉरी एफिशिएंसी वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो पहला वाला है दिस माइनस दिस, दूसरा है इन ऑर्डर दिस माइनस दिस एंड, ठीक है, यह बजट वेरिएंस, और दूसरा आपका बजट एफिशिएंसी और स्पेंडिंग वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, सर और प्राइस वेरिएंस जो है आपका ये माइनस ये। ठीक है, बस इतना ही है वेरिएबल और वेरिएंस में, और देखिए एक आधा प्रॉब्लम मिलेगा तो ऐसे ही रहेगा आपका। ओके, तो यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी। हाँ बोलिए सुमित जी। सर ये उधर भी टेबल बनाया हुआ है, इधर भी टेबल बनाया हुआ है, हाँ, वो टेबल अलग, वो टेबल जो है वो जो फिक्स प्रीवियस ओवरहेड वाला बताया वेरिएंस के लिए, ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के लिए। ओके ये इस टेबल में आप सिर्फ वेरिएबल का डेटा लेंगे, जैसे जो पहले टेबल में, ये डेटा काम का है आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स का, दूसरे दूसरे में ये काम का है फिक्स बस। ओवरहेड वेरिएंस का वो प्रीवियस डेटा हो गया जो प्रीवियसली आपने बताया, और अभी जो वेरिएबल वाला बता रहे हैं जिसमें तीन टेबल के तीन हाँ, कॉलम तीन है। तीन पार्ट है टेबल के। ठीक है, कभी कभी कुछ डेटा नहीं हो तो उसमें भी आप तीन बना दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक जीरो आएगा, जो दो आएगा उसका वेरिएंस लिख देना है। जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने देखे थे एक ही वेरिएंस आया था, करेक्ट? यस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो इसमें आया था, जो डेटा है जितना डेटा है उसका आप डाल देना आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक वेरिएंस आया था, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। सर ठीक है, इसमें टू कैसे आया दोनों में, जो स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर तो समझ में आ गया, 32,500 और 33 वाला, टू क्या? ठीक है हाँ, टू दोनों में कैसे आया, जो स्टैंडर्ड रेट कैसे टू आपको निकाले। डायरेक्ट स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है आपको सीधा सीधा, ये वेरिएबल ओवरहेड, ये अपॉन आवर्स, अच्छा ये ओके अपॉन ये, समझ, बस 60,000 डिवाइड बाय 33, 30,000, बस बस इतना ही है। वेरिएबल ओवरहेड्स में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं।
यही पूछेगा आपको। ये छह छह नंबर का बताया ना, 6 नंबर आप का टेबल बना लेना, ठीक है, कोई कुछ भी पूछे हो, एक भी पूछे टेबल बना लेना ऐसी, ठीक है, टेबल के बेसिस में आपका आंसर निकल जाएगा, जो भी पूछेगा वो, जितना पूछेगा उतना आंसर लिख देना, ओके सर। अच्छा कई हर बार आपको तीनों नहीं पूछेगा, एक पूछेगा या दो ठीक पूछ लेगा, जो पूछा उतना माइनस करके लिख देना है बस, ठीक सर। है। इससे ये सब हमारा ये हो गया, ये आप करो अच्छे से, ये इसमें काफी डिटेल में मैंने समझाया है, ये थर्ड वाला लेक्चर आप पहले देख लेना, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड आप देख लेना, लगे तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा उसके, ठीक है, ऊपर कर ही दीजिएगा सर, उससे ध्यान रहेगा, मतलब ओपन कर कंफर्म दूंगा, होगा। इसको आप हाँ देख ओके लेना और उसमें सब प्रॉब्लम्स वगैरह किए होंगे, बाकी जो थोड़े बहुत छूटे होंगे तो आप करोगे, इस लॉजिक के बेसिस में अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। यस एनी अदर डाउट आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल क्लोज द क्लास। नहीं सर, आज अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट इज ट्यूसडे 8:30 को, ओके, कल ओके सर। शिवम सर का क्लास रहेगा, पूछ लेना उनसे क्या है। हाँ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड थैंक यू, गुड नाइट। नाइट।